नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर फिल्म 2020 में आपका स्वागत है। साइंस एंड टेक के रिवीजन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के साइंस एंड टेक से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप रिवीजन वीडियोज़ की PDF डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से या फिर onlyice.com पर जाकर, और वहीं पर आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम सिलेबस विद टेस्ट सीरीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और मेंस बूस्टर प्रोग्राम। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप onlyice.sales@gmail.com पर पूछ सकते हो। ये लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल TOI 270 के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने, यानी जिसे हम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, उसने हाल ही में एक ड्वार्फ स्टार और उसके प्लेनेटरी सिस्टम को खोज लिया है। नाम दिया गया है TOI 270। जो नासा का टेस्ट सैटेलाइट है उसे नासा के द्वारा भेजा गया है नए नए प्लेनेटरी सिस्टम्स की खोज करने के लिए। ये 300 लाइट ईयर्स के एम्बिट में जो प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं उनको खोजने का प्रयास करता है 4 हाई फ्रिक्वेंसी टेलीस्कोप्स के जरिए। खोजते कैसे हैं, अगर कोई स्टार है और कोई प्लेनेट जब उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है तो जब वो स्टार के सामने आता है तो वो ब्लैक स्पॉट की तरह ही उस स्टार के सामने दिखने लगता है। उसी से पता लगाता है टेस्ट कि यहाँ पर कोई प्लेनेटरी सिस्टम है अथवा नहीं है। तो जो TOI 270 है वो उस ड्वार्फ स्टार का नाम है जिसके चारों ओर 3 प्लैनेट सर्कुलेट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये जो TOI 270 है उसे अर्थ से 73 लाइट ईयर्स अवे खोजा गया है। जो मेंबर्स हैं इस प्लैनेटरी सिस्टम में उनको नाम दिया गया है TOI 270B, TOI 270C और TOI 270D। TOI 270A उस ड्वार्फ स्टार को ही मान लिया गया है। ड्वार्फ स्टार का नाम TOI 270 रख दिया गया है, जिसका साइज हमारे सन यानी कि हमारे सूरज से लगभग 40% छोटा है। और जो ये एक्सोप्लैनेट्स हैं ये काफ़ी नज़दीक हैं इस ड्वार्फ स्टार के, इसलिए अपना चक्कर ये बहुत जल्दी लगा लेते हैं। जो TOI 270B है वो महज 3.4 डेज में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। ये एक रॉकी प्लैनेट है, मतलब वहाँ पर चट्टानी है, जबकि TOI 270C 5.7 डेज में और TOI 270D 11.4 डेज में चक्कर लगाता है। ये मोर एंड लेस गैसियस प्लैनेट हैं, ठीक है। तो फीचर्स क्या हैं इन एक्सोप्लैनेट्स के? एक्सोप्लैनेट उन प्लैनेट्स को कहा जाता है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं। TOI 270B ये इनर मोस्ट प्लैनेट है। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि इसका साइज अर्थ से 25% ज़्यादा है। ये हैबिटेबल नहीं है बिकॉज बहुत नज़दीक है ये अपने सन के। इनफैक्ट जो हमारा मरकरी है हमारे सोलर सिस्टम में, ये उससे भी 13 गुना नज़दीक है अपने सन के। बहुत गर्म है, वहाँ पे रहने लायक स्थिति नहीं है। हालांकि रॉकी प्लैनेट है। TOI 270C और TOI 270D ये नेपच्यून लाइक प्लैनेट्स हैं, मतलब इनका कंपोजिशन मेनली गैसियस है, रॉक्स वहाँ पर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये भी हैबिटेबल नहीं है। जो टेस्ट मिशन है ये MIT लेड मिशन है। MIT का मतलब है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य 300 प्रकाश वर्ष की दूरी के बीच में जो सोलर सिस्टम्स हैं उनका पता लगाना है। इसको इनिशियली 2 सालों के लिए लॉन्च किया गया था कि वो हर एरियाज में जाकर जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उनकी खोज करे, सोलर सिस्टम्स का पता लगाए। हालांकि अभी इसे एक्सटेंशन दे दिया गया है। नासा का ये मानना है कि 2022 तक ये फंक्शन करता रहेगा और इसका मेन उद्देश्य नेपच्यून से छोटे ग्रहों की खोज करना है। टेस्ट की मदद से किसी प्लैनेट या किसी ग्रुप ऑफ प्लैनेट के मास, साइज, डेंसिटी और ऑर्बिट का पता लगाया जा सकता है। अगला आर्टिकल अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को लॉन्च किया गया है ताकि इनोवेशन की स्पिरिट को कम्युनिटी लेवल तक लेकर जाया जाए। ये जो प्रोग्राम है इसे नीति आयोग की एक फ्लैगशिप स्कीम अटल इनोवेशन मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। अब देखिए, होता यह है कि कम्युनिटी लेवल पे बहुत सारे या जो कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जिनके पास एबिलिटी है कुछ नया करने की लेकिन उनके पास रिसोर्स नहीं है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएगा ताकि वो कुछ नया इनोवेट कर सकें, कुछ नया खोज सकें या कुछ ऐसा बना सकें जो इंडिया के लिए बेहतर हो। जैसे इंडिया में कई सारी मेडिसिन अभी भी बहुत महंगी हैं, क्या बदलाव करके उन्हें सस्ता किया जा सकता है या क्या नई मेडिसिन डेवलप की जा सकती हैं किसी पार्टिकुलर बीमारी के लिए। इंडिया में सपोज करिए कि जो फोटो वोल्टिक सोलर एनर्जी है वो बहुत महंगी है, उसे कैसे सस्ता किया जा सकता है, क्या नया इनोवेशन उसके लिए किया जा सकता है। अब इसके लिए उस व्यक्ति को एक फोटो वोल्टिक सोलर सिस्टम का सेट तो चाहिए होगा ना, नहीं तो वो कैसे इनोवेशन करेगा। तो इसी चीज़ को या इनोवेशन के इकोसिस्टम को सोशली इंक्लूसिव बनाने के लिए समाज का हर हिस्सा उसमें पार्टिसिपेट कर सके, इसीलिए कम्युनिटी लेवल पे इस अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स को
484 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में स्टैब्लिश किया जाएगा। इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप किया जाएगा। ये स्पेसिफिकली डिजाइन होंगे टीयर वन मेट्रो सिटीज के लिए, ऐसे रीजन्स में जो थोड़ा कम डेवलप्ड हैं, टीयर थ्री सिटीज में भी इनको डेवलप किया जाएगा। जो स्मार्ट सिटीज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जम्मू कश्मीर का रीजन है, रूरल और ट्राइबल रीजन्स हैं, वहां पर ये फैसिलिटीज दी जाएंगी ताकि कम्युनिटी लेवल पर वहां पर भी इनोवेशंस हो सकते हैं। अगला आर्टिकल इसरो टेक्निकल लियाजन यूनिट के बारे में है। आप इसे इटलू कह सकते हैं ताकि आपको याद रहे। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उन्होंने इसरो के एक टेक्निकल लियाजन यूनिट को सेटअप करने की अनुमति दे दी है। इसे सेटअप किया जाएगा कहाँ? मॉस्को में, जो कि है रशिया में। यहाँ पर मैं आपको लियाजन का मतलब बता देता हूँ। लियाजन का मतलब होता है कि दो लोग या ग्रुप ऑफ पीपल जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसे लियाजन कहा जाता है। अब आपको लियाजन का मतलब पता है तो आप इस बात को तो समझ गए होंगे कि ये इसरो की एक टेक्निकल यूनिट होगी जो कोऑपरेट करेगी, कम्युनिकेट करेगी। अब चूंकि ये मॉस्को और रसिया में स्टैब्लिश की जा रही है तो इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं या वहाँ के जो रिसर्च ग्रुप्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट किया जाएगा। तो कुछ और डिटेल्स समझ लेते हैं। जो इटलू है यानी कि इसरो टेक्निकल लियाजन यूनिट, ये इनेबल करेगा कि इफेक्टिव टेक्निकल कोऑर्डिनेशन किया जाए टाइमली इंटरवेंशन पर, यानी कि समय समय पर कोई एक इंटरवल डिसाइड कर लिया जाए, एक महीने का, दो महीने का, डाइवर्सिफाइड मैटर्स में। किसके साथ? रसिया के साथ, डेफिनेटली रसिया की स्पेस एजेंसी के साथ। ये सपोर्ट करेगा जो ऑन गोइंग बायलेटरल प्रोग्राम्स हैं जिनमें इसरो इंडिया की ओर से कोऑपरेट करेगा रशिया के साथ। ये जो प्रोग्राम है, ये जो यूनिट है, ये रशिया की एक्सपर्टीज को अवेल करने का प्रयास करेगी। जो इसरो का बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है गगनयान, जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस यूनिट के जरिए हमें अपने उस प्रोग्राम में भी मदद मिलेगी। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होगी? जो इटलू है उसका मॉस्को में एक ऑफिस होगा जिसे मैनेज किया जाएगा इसरो के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के द्वारा, जिन्हें कहा जाएगा काउंसलर, काउंसलर ऑफ स्पेस कहना ज्यादा उचित होगा। उन्हें डिप्यूटेशन पे रखा जाएगा, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रखा जाएगा जो वो काम करेंगे, और उनको सपोर्ट मिलेगा लोकली सोर्स्ड स्टाफ के द्वारा। मतलब एक स्टाफ होगा जो वहां का होगा, रशिया का होगा, जो उनकी मदद करेगा, क्योंकि लोकेलिटीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसने ऐसे इंस्टीट्यूट जिसे आप टेक्निकल लियाजन यूनिट्स कह सकते हैं, वो इटलू की तरह ही हैं, उन्हें वाशिंगटन और पेरिस में ऑलरेडी स्टैब्लिश किया जा चुका है। मॉस्को में स्टैब्लिश होने का अप्रूवल मिल चुका है और सरकार ने और भी प्लान बना लिया है। मतलब कुछ और देशों में भी एक पैक तैयार कर लिया गया है, अप्रूवल दिया जा चुका है कि इसरो ऐसी ही यूनिट्स को बोलीविया और बहरीन में भी स्टैब्लिश करेगा वहां की एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। अगला आर्टिकल जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि साइंटिस्ट जो जापान के हैं उन्होंने हाल ही में ह्यूमन ऑर्गन्स को एनिमल्स में ग्रो करने की तैयारी कर ली है। गवर्नमेंट की परमिशन मिलने के बाद ये पहला टेस्ट होगा जो किसी भी देश के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। देखिए, जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये होता है जब किसी एक जीव के ऑर्गन्स को किसी दूसरे जीव में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ये बात समझ में आ गई। ह्यूमन ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन में एक बहुत बड़ा कंसर्निंग मुद्दा रहता है क्योंकि इसकी हमेशा कमी रहती है। कई सारे लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की लंबी लिस्ट में होते हैं, उनके जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है किसी व्यक्ति की, उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ह्यूमन ऑर्गन्स का मिलना कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जो जापान के साइंटिस्ट है वो एक अल्टरनेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो मॉडिफाइड एनिमल एम्ब्रायो होगा उसे ह्यूमन के इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के साथ जोड़ दिया जाएगा। जो इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो इंसान के किसी भी बॉडी का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। यूजुअली जो एम्ब्रायो होता है, जिसमें बच्चा होता है, जो थैली होती है जिसमें माँ के गर्भ में बच्चा पलता है, उसमें ये जो सेल्स पाए जाते हैं ये काफ़ी पोटेंट होते हैं। इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट जो स्टेम सेल्स होते हैं उन्हें प्रिजर्व भी किया जा सकता है और लंबे समय तक उनकी इस्तेमाल करके बहुत बाद में भी किसी ह्यूमन ऑर्गन को डेवलप करना है तो डेवलप किया जा सकता है। तो कुल मिला के जो इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के लिए किसी भी ह्यूमन ऑर्गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एनिमल एम्ब्रॉय के साथ उसे जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद उसे किसी जानवर के एम्ब्रॉयो में फीड कर दिया जाएगा, लाइक माइस, रैट या पिक्स। वो डेवलप हो जाएगा, उसके बाद उसे निकालकर भविष्य में, अभी ऐसा हुआ नहीं है, ये पहला स्टेप है कि हम किसी ह्यूमन ऑर्गन को एनिमल के अंदर ग्रो करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद भविष्य में अगर टेक्नोलॉजी अच्छी तरीके से बेहतर हो जाएगी तो जिस व्यक्ति का स्टेम सेल है, जिस व्यक्ति का इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल है, उसका इस्तेमाल करके उसके लिए किसी भी ऑर्गन को किसी एनिमल में ग्रो कर लिया जाएगा जिसका इस्तेमाल उसकी बॉडी कर पाएगी। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं। इसका मतलब ये होता है कि दो
जो एनिमल्स हैं या फिर जीव हैं उनकी सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स को जब एक दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। पोटेंशियल बेनिफिट ये होता है कि एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाता है ऑर्गन फेलियर के लिए। कई बार इंडिविजुअल्स के ऑर्गन फेल कर जाते हैं जिसके बाद जान बचाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करके जान बचाई जा सकती है। हालांकि कई तरीके के कंसर्न रेज किए जाते हैं जो मेडिकल, लीगल और एथिकल इश्यूज से जुड़े हुए हैं। जैसे कि जो पिग्स हैं, कई बार उनके जो लाइफ स्पैन होता है बहुत छोटा होता है, शॉर्ट होता है। अगर उनके ऑर्गन्स का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी में कर दिया गया तो उनके ऑर्गन्स तेज़ी से एज होते हैं, मतलब उनकी उम्र जल्दी बढ़ जाती है और वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इंसान की मौत हो जाती है। डिसीज ट्रांसमिशन का खतरा होता है कि जो बीमारी है वो इंसान में फैल सकती है जो जानवर को हो या फिर पोटेंशियली होने की संभावना रही हो। परमानेंट अल्टरेशन हो सकता है जेनेटिक कोड का जिस व्यक्ति में वो दूसरे किसी व्यक्ति के या जानवर के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया गया। ऐसे कई तरीके के एथिकल कंसर्न्स होते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन में। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल काला आजार के बारे में है जिसे विश्रल लेस्मैनियासिस के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT हैदराबाद के रिसर्चर्स ने एक ऐसा ड्रग डेवलप किया है जिसका इस्तेमाल कंट्रोल्ड मैनर में काला आजार को ट्रीट करने के लिए किया जा सकता है। काला आजार की बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रोटोजोन पैरासाइट के जरिए फैलती है और इस पैरासाइट का टाइप है लेस्मानिया टाइप। दैट्स वाई इसे विसरल लेस्मैनियासिस भी बोलते हैं। विसरल का मतलब इसलिए इसे विसरल बोलते हैं बिकॉज ये लंग्स को अटैक करता है, ठीक है, आंत के हिस्से को प्रभावित करता है। ये एक तरीके के कुछ स्पेसिफिक टाइप के सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है। इसे निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में कैटेगराइज किया गया है। ये ऐसी डिसीज होती हैं जो कि लो इनकम कंट्रीज में स्प्रेड होती हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। इस डिसीज़ को तीन तरीके से समझा जा सकता है। एक तो है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब होता है त्वचा संबंधी या स्किन रिलेटेड। तो ये कुछ स्किन पे जो घाव होते हैं उसके साथ शुरू होता है, ऐसे काला आजार को क्यूटेनियस काला आजार बोला जाता है। दूसरे काला आजार के टाइप को बोला जाता है म्यूकोक्यूटेनियस। ये वैसे तो स्किन, माउथ या नोज के किसी छोटे घाव के साथ शुरू होते हैं, मतलब इसमें बॉडी के इंटरनल पार्ट के घाव भी इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो इसका वायरस है वो हाई फीवर के साथ ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करना शुरू कर देता है, स्लीपेन को इलाज कर देता है। स्लीपेन एक ऐसा बॉडी ऑर्गन सिस्टम है जो कि ब्लड सेल्स को जनरेट करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अल्टीमेटली ये लीवर को अटैक करता है। लीवर को अटैक करने की वजह से इसे विसरल कहा जाता है, ठीक है। इसे काला आजार, ब्लैक फीवर या दमदम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज के काटने से हो सकता है। ये इम्यून सिस्टम को अटैक करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये फैटल होता है, मतलब जानलेवा होता है। ये यूजुअली जो बीमारी है ये ह्यूमंस तक ही कन्फाइंड रहती है, मतलब इंसानों को ही ये प्रभावित करती है, जानवरों में इनका प्रभाव नहीं देखने को मिलता। ये जो पैरासाइट है ये इंटरनल ऑर्गन सिस्टम में माइग्रेट करते रहते हैं, लिवर, बोन मैरो, स्लीपेन, इसीलिए इन्हें विसरल भी कहा जाता है। जो डिसीज है ये सेकेंड लार्जेस्ट पैरासाइटिक किलर है पूरी दुनिया में। मलेरिया के बाद दूसरे नंबर पे काला आजार का ही नाम आता है जो प्रभावित करती है। हाई फर्टिलिटी रेट है अगर ट्रीट ना किया जाए तो। शुरुआती दौर में जब इसके सिम्टम्स दिखते हैं उसके 2 साल के भीतर ये उस व्यक्ति की जान ले लेती है। इंडिया में लेस्मानिया डोनोवानी एकमात्र पैरासाइट है जो इस डिसीज को कॉज करता है। नेशनल वेक्टर ब्रोन डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सरकार इस ऐसे स्टेट्स में प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है जहां पर ये बीमारी अक्सर होती है और इसे खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि जीनोम इंडिया इनिशिएटिव के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जीनोम इंडिया इनिशिएटिव के तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि DBT ने ये प्लान किया है कि वो 20,000 इंडियंस के जीनोम को स्कैन करेंगे अगले 5 सालों में। और ये एक्सरसाइज 2 फेजेस में होगी जहां पर अच्छी तरीके से टेस्ट को डायग्नोसिस किया जाएगा। उद्देश्य ये होगा कि कैंसर की बेहतर तरीके से जानकारी पहले ही गैदर की जा सके जीनोम की इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके। जो प्रोग्राम है इसे फॉर्मली अक्टूबर में लॉन्च कर दिया जाएगा इस साल और एस्टिमेट ये किया गया है कि 250 से 350 करोड़ का खर्च आएगा फेज़ 1 के इस प्रोग्राम में। जो फेज़ 1 है इसमें कंप्लीट जीनोम सिक्वेंसिंग की जाएगी लगभग 10,000 इंडियंस की जो कि पूरे भारत से लिए जाएंगे ताकि इंडिया की पूरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कवर किया जा सके। फेज़ 2 जो कि नेक्स्ट फेज होगा इसमें 10,000 डिसीज्ड इंडिविजुअल्स को लिया जाएगा, उनके जीनोम सीक्वेंस को स्टडी किया जाएगा, पूरा डेटा गैदर किया जाएगा और मशीन लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करके इसे कंपेयर किया जाएगा अदर लोगों के जीन की इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर ये पता करने का प्रयास किया जाएगा कि ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि किसी व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है या नहीं है, या कौन से ऐसे जेनेटिक बदलाव हैं जो इस ओर इंडिकेट करते हैं कि कैंसर की समस्या हो सकती है। कई सारी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, लगभग 22 इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं जीनोम सिक्वेंसिंग के इस टेस्ट में।
जिसमें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का भी नाम है, CSIR का नाम है, DBT तो है ही, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का तो इनिशिएटिव ही है जो इसमें इन्वॉल्व है, और जो डेटा जनरेट किया जाएगा वो सभी रिसर्चर्स के लिए भारत में किसी भी जगह पे एक्सेसिबल होगा, जो उसका इस्तेमाल करके एनालिसिस कर सकते हैं। इस पूरे प्लान को एक प्रपोजल के तहत तैयार किया गया है। ये प्रपोजल था नेशनल बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का, जिन्होंने एक पॉलिसी तैयार की थी, उस पॉलिसी का नाम था बायोलॉजिकल डेटा स्टोरेज एक्सेस एंड शेयरिंग पॉलिसी, उसी को आधार बनाकर इस पूरे प्लान को तैयार किया गया है। हालांकि ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो अभी अर्ली स्टेज में है डिस्कशन के, मतलब इसे इम्पार्ट करने में, इसे डेवलप करने में अभी थोड़ा सा समय लग जाएगा। अब अगला आर्टिकल जो है वो इसरो के एक टेलीस्कोप के संबंध में है जो स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करने का काम करेगा। इनफैक्ट ये ग्रुप ऑफ टेलीस्कोप्स हैं या फिर रडार्स हैं। कॉन्टेक्स्ट यही है कि इसरो ने अभी हाल ही में एक नेटवर्क ऑफ टेलीस्कोप स्टैब्लिश करने का या नेटवर्क ऑफ रडार स्टैब्लिश करने का प्लान तैयार किया है। ये हमारा अपना खुद का सिस्टम होगा जिसका इस्तेमाल हम स्पेस डेब्रिस को मॉनिटर करने के लिए करेंगे। अब देखिए, कई सारे ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जिनको बहुत लंबे समय लॉन्च किया गया था, बहुत लंबे समय पहले लॉन्च किया गया था, अब वो यूजलेस हो चुके हैं, लेकिन वो अर्थ के चारों ओर अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे स्थिति में वो किसी फंक्शनल सैटेलाइट से टकरा सकते हैं, उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जरूरी होता है कि ऐसे डेब्रिस पर निगाह रखी जाए ताकि फंक्शनल और इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स को उनसे बचाया जा सके। करेंटली इसरो के 50 फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं जो हमें या पूरे इंडिया को सर्विस दे रहे हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में, नेविगेशन के फील्ड में। इनमें कुछ सर्विलांस सैटेलाइट हैं जो कि स्पेस में तैर रही हैं और हमें इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। इसरो अभी वर्तमान की स्थिति में किस पे डिपेंडेंट है अगर डेब्रिस की इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है तो? NORAD यानी कि नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, उसका डेटा इस्तेमाल किया जाता है अभी इसरो के द्वारा, जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, जहां पर सभी स्पेस डेब्रिस की इन्फॉर्मेशन होती है जिसे इस प्रोग्राम के तहत मॉनिटर किया जाता है USA के द्वारा, और उसी का इस्तेमाल करके जो एक्टिव सैटेलाइट हैं या पैसिव या डेड सैटेलाइट हैं उनको जांचा जाता है, परखा जाता है और अपने सैटेलाइट को बचाने की कोशिश की जाती है। हालांकि NORAD के द्वारा दिया गया डेटा कई बार बहुत एक्यूरेट नहीं होता, इसीलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो NORAD है वैसे तो वो एक्यूरेट डेटा गैदर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली जो एक्यूरेट डेटा है वो उन्हीं देशों के लिए अवेलेबल होता है जो इस नेटवर्क के मेंबर हैं। ऐसी स्थिति में इंडिया के इसरो के पास भी स्पेस डेब्रिस का एक्यूरेट डेटा हो, ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ताकि हम जो हमारे खुद के फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं उनको कोलिजन से बचा सकें, वो स्पेस डेब्रिस से टकराएं नहीं और सुरक्षित तौर पे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते रहें। इसरो ने डिसाइड किया है कि हम चार, मतलब भारत के चार कोनों पर चार टेलीस्कोप्स को सेटअप करेंगे या रडार्स को सेटअप करेंगे जिसकी सहायता से हम स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करेंगे। जो पहला टेलीस्कोप है उसे पोनमुडी में यानी कि थिरुवनंतपुरम में सेट किया जाएगा, दूसरे को माउंट आबू राजस्थान में सेट किया जाएगा, तीसरे को डीप नॉर्थ में और चौथे को नॉर्थ ईस्ट में सेट किया जाएगा, ताकि हम भारत के चारों कोनों से स्पेस की निगरानी रख सकें और डेब्रिस से अपने सैटेलाइट को बचा सकें। अगला आर्टिकल इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रिंट और उच्चतर आविष्कार योजना के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने अभी हाल ही में TechX टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन को IIT दिल्ली में इनॉग्रेट किया। जो TechX है इसे ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य ये था कि जो दो सरकार के इनिशिएटिव रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ HRD का जो इनिशिएटिव रहा है, पहला इनिशिएटिव जिसका नाम है इम्प्रिंट, फुल फॉर्म है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा इनिशिएटिव रहा UAY यानी कि उच्चतर आविष्कार योजना, इसमें जो भी आविष्कार किए गए हैं, कोई प्रोडक्ट डेवलप किया गया है, कोई प्रोटोटाइप बनाया गया है, प्रोटोटाइप किसी भी रिसर्च का एक इनिशियल स्टेज होता है जिसके बाद उसका सही खाका बना लिया जाता है, तो उसे इस TechX टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन में डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से इस TechX को ऑर्गेनाइज किया गया था। इम्प्रिंट के बारे में जान लेते हैं। इम्प्रिंट एक इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ HRD का, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य ये था कि जो रेलेवेंट इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं दुनिया के लिए उसको एड्रेस करने के लिए इनोवेशंस किए जाएं। इसके लिए 10 सेलेक्टेड टेक्नोलॉजी डोमेन्स तैयार किए गए थे, मतलब 10 एरियाज जहां पर कुछ ऐसे इनोवेशंस किए जाएं जिनसे लोगों को फायदा मिले, और ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा रहा था जॉइंटली MHRD के द्वारा और पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्री के द्वारा 50-50 के रेशियो में। सपोज करिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, वो अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं MHRD के साथ ऐसे किसी इनोवेशन में, तो 50-50 दोनों मिनिस्ट्रीज अपना अमाउंट पे करेंगे। जो 10 टेक्नोलॉजी डोमेन्स थे जहां पर इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए इम्प्रिंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था वो हैं हेल्थ केयर, एनर्जी, सस्टेनेबल हैबिटेट, नैनो टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, वाटर रिसोर्स, रिवर सिस्टम, एडवांस्ड मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये 10 एरियाज हैं जहां पर टेक्नोलॉजी को या इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इम्प्रिंट इनिशिएटिव को सरकार के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था।
उच्चतर आविष्कार योजना के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसे भी 2015 में ही लॉन्च किया गया था। उद्देश्य यह था कि हायर ऑर्डर पर इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, मतलब इतने हायर लेवल पे इनोवेशन को प्रमोट किया जाए कि उसका इस्तेमाल इंडस्ट्री के लेवल पे भी किया जा सके। और ऐसे इनोवेशन में जो MHRD है उसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट करेगी वो तो करेगी ही, जो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के फेवर में ऐसे किसी इनोवेशन को किया जाएगा वो भी 25% का पार्टिसिपेशन इंश्योर करेगी। 50% पार्टिसिपेशन MHRD का होगा, 25% पार्टिसिपेशन मिनिस्ट्री का होगा और 25% जो शेयर होगा वो इंडस्ट्री पे करेगी। अगला आर्टिकल इंटेलाइट के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है हमारे देश में। मोहाली की ट्रैफिक पुलिस ने अभी हाल ही में एक 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल डिवाइस को इम्प्लीमेंट किया है, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिसे डेवलप किया गया था, तैयार किया गया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा। ये एक तरीके का वायरलेस सिस्टम है जिसको नाम दिया गया है इंटेलाइट। इसे इंस्टॉल किया जाएगा ट्रैफिक क्रॉसिंग के पास में, एयरपोर्ट रोड पर पायलट बेसिस इसको स्टार्ट किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट बेसिस का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए टेस्ट किया जा रहा है कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ये ट्रैफिक सिग्नल को एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से वायरलेस सेंसर सिस्टम की मदद से रेगुलेट करेगा। ये 360 डिग्री सॉल्यूशन है, मतलब हर तरीके की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। प्रेजेंटली देखिए होता क्या है कि एक टाइमर लगा होता है ट्रैफिक सिग्नल में, एक मिनट का सपोज करिए टाइमर है, तो एक मिनट के लिए लाइट अपने आप रेड होगी और उसके बाद अपने आप ग्रीन हो जाएगी। अब इसमें कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि सपोज करिए कि एक मिनट के लिए जो लाइट है वो रेड हो जाती है और बाकी हर तरफ की गाड़ियों को रोक दिया जाता है, एक तरफ की जो लाइट है वो ग्रीन होती है, लेकिन जिस तरफ लाइट ग्रीन हुई है वहाँ पर कोई व्हीकल है ही नहीं। ट्रैफिक सिग्नल इस चीज़ को चेक नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर तो टाइमर सेट है, वो तो अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन ये जो इंटेलाइट है ये अलग तरीके से वर्क करेगा। ये जो वहाँ पर CCTV कैमराज हैं उनको एक्सेस करेगा और AI का इस्तेमाल करके उन इमेजेस को कैलकुलेट करेगा और ट्रैफिक कंजेशन को खुद से डिसाइड करेगा। अगर यहाँ पर कोई भी व्हीकल नहीं है तो वहाँ की लाइट को ग्रीन नहीं किया जाएगा और जिस ओर ज़्यादा व्हीकल्स हैं उस तरफ की लाइट को ग्रीन किया जाएगा ताकि वहाँ पर जल्दी से व्हीकल्स पास कर सके। कंजेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है जो टाइमर कंजेशन के बेसिस पर AI का इस्तेमाल करके डेवलप किया जाएगा या मेंटेन किया जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, बहुत अच्छी टेक्निक है, ट्रैफिक सिग्नल को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इंटेलाइट से। अगला आर्टिकल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक मैक्सिकन रिसर्चर ने अभी हाल ही में कैक्टस लीव्स का जो मटेरियल होता है उससे एक शीट तैयार की है जिसकी प्रॉपर्टीज सेम प्लास्टिक जैसी ही हैं। सबसे खास बात, ये टॉक्सिक नहीं है और बायोडिग्रेडेबल है, मतलब अपने आप डिग्रेड हो जाएगा एनवायरमेंट में जाने के बाद। मैक्सिको का जो प्रिकली पियर कैक्टस है, जो एक तरीके का नागफनी होता है, जिसे मैक्सिको के फ्लैग में भी जगह दी गई है, वो अब एक और इनोवेटिव रोल प्ले करने वाला है जब उसका इस्तेमाल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के तौर पर होगा। जो पैकेजिंग मटेरियल होगा उसे मैक्सिकन रिसर्चर ने डेवलप किया है, जो कि प्लास्टिक का अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। हालांकि अभी इस पे काम चल ही रहा है, लेकिन जिन्होंने इस रिसर्च को कंप्लीट किया है वो इसका पेटेंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो पल्प होता है प्रिकली पियर का, उसे कुछ नॉन टॉक्सिक एडिटिव्स के साथ मिला दिया जाएगा और फिर कुछ शीट्स डेवलप की जाएंगी जिनका इस्तेमाल पैकेजिंग के लिए किया जा सकेगा। ये एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस समय दुनिया की है, दैट इज़ प्लास्टिक पोल्यूशन, बहुत कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है, उसका समाधान निकाल सकता है। ऐसे इनोवेशंस बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज यूनाइटेड नेशंस कमिटेड है कि आने वाले एक दशक में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसे पूरी तरीके से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जाएगा, मतलब उनकी जो यूज़ है उनका बहुत हद तक कम कर दिया जाएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसका सिर्फ एक बार यूज़ होता है, दोबारा उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। इंडिया इसी दिशा में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को या उसके यूज को कम करने का प्रयास कर रहा है। आर्टिकल इंडियाज फर्स्ट इकोटॉक्सिकोलॉजी क्लिनिक के बारे में है। आर्टिकल पर चलने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इकोटॉक्सिकोलॉजी होता क्या है। इकोटॉक्सिकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जो ऐसे सब्सटेंस को स्टडी करता है या ऐसे इन्वायरमेंटल सब्सटेंस को स्टडी करता है जो इन्वायरमेंट में जाने के बाद जो भी इकोलॉजिकल एंटिटीज हैं उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, लाइक पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड ऑब्वियसली ह्यूमंस, इंसानों को भी ऐसे सब्सटेंस का नुकसान होता है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में दिल्ली के एम्स ने एक क्लिनिकल इकोटॉक्सिकोलॉजी फैसिलिटी को लॉन्च किया है। ये अपनी तरीके का पहला इकोटॉक्सिकोलॉजी क्लिनिक या फैसिलिटी भारत में होगी। उद्देश्य ये होगा कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या कारण है या कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं जो कि वाटर, फूड और एयर को कंटेमिनेट करने के बाद कई तरीके की डिसीजेस को कॉज करते हैं, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए, पता लगाया जाए। ये जो नई फैसिलिटी होगी वो डायग्नोस्टिक कंसल्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, रिसर्चेस वगैरह भी की जाएंगी कि ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो किस तरीके की बीमारी को स्प्रेड करते हैं।
जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं वो इको टॉक्सिसिटी की वजह से कौन सी डिसीजेस कॉज हो रही हैं उनके बारे में भी जानकारी लगाने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से जो रिसर्चेस होंगी वो कंडक्ट की जाएंगी, उद्देश्य ये रहेगा। कई बार देखिए जो कुछ नोन ओरिजिन होते हैं कई सारे फैक्टर्स की या बीमारियों के, उनसे इतर कुछ हिडन फैक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, सामान्यतया हमें ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को तब कैंसर होता है जब वो स्मोकिंग करता है या फिर वो किसी मादक पदार्थ का सेवन करता है, निकोटीन वाली वस्तु का सेवन करता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति को कैंसर हो जाता है जिसने कभी स्मोकिंग नहीं की होती, किसी भी ऐसे पदार्थ का कभी सेवन नहीं किया होता जिसमें निकोटीन हो। तो फिर ऐसे व्यक्ति को कैंसर क्यों हो रहा है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इको टॉक्सिकोलॉजी का यहाँ पे क्या रोल है? इन सारी चीज़ों को पता करने का प्रयास किया जाएगा इस फैसिलिटी में या इस क्लिनिक में। अभी हाल ही में लैंसेट कमीशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी पॉल्यूशन और हेल्थ पर। उसमें उन्होंने ये बताया कि कंटेमिनेटेड वाटर, एयर और सॉइल की वजह से लगभग 9 मिलियन लोग हर साल मारे जाते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि 92% इनमें जो डेथ्स हैं वो इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी की वजह से हो रही हैं, जो कि लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है, जिसमें इंडिया भी आता है। तो जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी है, जिसे आप इको टॉक्सिसिटी कह सकते हैं, वो काफ़ी कॉज करती है कई तरीके की बीमारियों को जो मेजरली एयर, वाटर या सॉइल पोल्यूशन से रिलेट करते हैं। तो ये बातें इंडिया के फर्स्ट इको टॉक्सिकोलॉजी क्लिनिक के बारे में। अगला आर्टिकल रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये प्लान किया है कि वो रोटा वायरस वैक्सीन के कवरेज को हर स्टेट में स्प्रेड करेंगे। रोटा वायरस इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि बच्चों में डायरिया कॉज करता है, पार्टिकुलरली ऐसे बच्चों में जिनकी उम्र 2 साल से कम हो। भारत में लगभग आप अगर एक एस्टिमेट लें तो 1,000 में से 37 बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह नहीं मना पाते क्योंकि उसके पहले उनकी मौत हो जाती है, और ऐसा मेजरली डायरिया डेथ की वजह से होता है जिसमें रोटा वायरस एक मेजर रोल प्ले करता है। तो देखिए, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो रोटा वायरस इन्फेक्शन से प्रभावित है, अगर उस बच्चे के हाथ ना धोए जाएं और वो किसी भी चीज़ को छू दे, एग्जाम्पल के तौर पे वो खिलौनों को हाथ लगाता है, तो उस खिलौने पर जो रोटा वायरस है वो स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद अगर कोई अन्य बच्चा उस खिलौने को छू लेता है तो उस कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट के सहारे वो वायरस उस अन्य बच्चे में भी फैल जाता है। ये वायरस बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है और स्टमक में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इंटेस्टाइन को भी प्रभावित करता है। दो ब्रांड्स हैं वैक्सीन की जो कि रोटा वायरस के अगेंस्ट वर्क कर रही हैं। एंटीबायोटिक्स काम नहीं आती क्योंकि वो बैक्टीरिया से लड़ती हैं, वायरस से नहीं, रोटा वायरस है, ठीक है। जो रोटा वायरस डिसीज़ है वो वॉमिटिंग और डायरिया कॉज करती है जिससे डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अच्छी मात्रा में लिक्विड्स बच्चे को दिए जाते रहें जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर रोटा वायरस वैक्सीन के साथ साथ प्रॉपर सैनिटेशन पर फोकस किया जाए, हाथ धोने की प्रैक्टिस को ऑप्ट किया जाए, तो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों को कम किया जा सकता है जो डायरिया की वजह से होती है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मौत, मॉर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी के होने का क्रम। जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है NTAGI, उसने रिकमेंड ये किया था कि हम रोटा वायरस वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर दें, जहाँ पर लगभग हर तरीके की बीमारी के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। सरकार ने यह भी कमिट किया है कि डायरिया से होने वाली मौतों को 2022 तक खत्म कर दिया जाएगा, एंड कर दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI के बारे में। NTAGI हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है जो कंट्री में इम्यूनाइजेशन के लिए वर्क करती है। इसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो रिकमेंडेशन देते हैं, डेटा वगैरह गैदर करते हैं कि कौन सी बीमारी कैसे बेहतर तरीके से हैंडल की जा सकती है। देखिए, एक इम्यूनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट को एस्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत, जो कि एविडेंस बेस्ड प्लानिंग करता था बीमारियों को हैंडल करने के लिए। यही बॉडी ITSU, इसका एक मेजर काम ये भी है कि ये NTAGI के लिए सेक्रेटेरिएट की तरह काम करें और जो भी उनका डे टू डे फंक्शन है वो इत्सु ही कंडक्ट किया करता है, ITSU ही कंडक्ट किया करता है। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि चंद्रिमा साहा पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनेंगी इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की, इंसा की। ये अपनी पोजीशन को जनवरी 2020 से लेंगी। ये फॉर्मली दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की डायरेक्टर हुआ करती थी। कुछ बातें इंसा के बारे में जान लेते हैं, यानी कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। इंसा को फॉर्मरली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ इंडिया NISHI के नाम से जाना जाता था। इसे 1935 के जनवरी महीने में एस्टैब्लिश किया गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में साइंस को प्रमोट किया जाए, साइंटिफिक नॉलेज को हार्नेस किया जाए ताकि मानवता का भला किया जा सके और देश का हित देखा जा सके। अक्टूबर 1945 में उस समय की जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने इसे एक
प्रीमियर साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया, जो कि इंडिया की जो भी वेरियस ब्रांचेस हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा, ऐसी मान्यता दे दी गई 1968 में। इस एकेडमी को एक ऐसी एकेडमी के रूप में डेजिग्नेट कर दिया गया जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस में, ICSU में। कुछ बातें और भी आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि जो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस है ICSU, जिसमें इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, अभी 2018 में एक और बॉडी को इसके साथ मर्ज किया गया, उसका नाम था इंटरनेशनल साइंस सोशल साइंस काउंसिल, इंटरनेशनल सोशल साइंस काउंसिल। और इन दोनों बॉडीज के मिलने के बाद अब इसका एक नया नाम पड़ गया है जो नाम है इंटरनेशनल साइंस काउंसिल ISSC। ये आपने समझ लिया कि ICSU और ISSC को आपस में मर्ज करके ISC बना दिया गया 2018 में। ISC एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी यूनिक ग्लोबल मेंबरशिप है, लगभग 40 इंटरनेशनल साइंटिफिक यूनियंस हैं जो इस बॉडी से जुड़े हुए हैं, 140 लगभग नेशनल ओरिजिनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका पार्ट हैं, जिसमें एकेडमीज और रिसर्च काउंसिल्स भी आ जाती हैं। जो विजन है इस काउंसिल का वो ये है कि साइंस को इस तरीके से एडवांस किया जाए, डेवलप किया जाए, दुनिया भर में लोगों का हित सुरक्षित किया जा सके। ISC का हेडक्वार्टर पेरिस यानी कि फ्रांस में है। आर्टिकल एक्सेल से बोन इम्प्लांट के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि IIT हैदराबाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर के रिसर्चर्स ने मिलकर अभी एक ऐसा प्रोसेस तैयार किया है जिसके जरिए एक्सेल्स का इस्तेमाल करके बोन इम्प्लांट मटेरियल तैयार किया जा सकेगा, जिसका इस्तेमाल हड्डी टूटने पर बोन इम्प्लांट करने में किया जाएगा। तो अभी वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में अगर किसी व्यक्ति की बोन्स मिस हो जाएं या डैमेज हो जाएं एक्सीडेंट या किसी भी अन्य कारण से, उसे रिप्लेस किया जाता है किसी डोनर की बोन से या फिर किसी सिंथेटिक मटेरियल से, किसी आर्टिफिशियल मटेरियल से जिसमें कैल्शियम हो, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाल के दिनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता, फॉस्फेट कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाइड्रोक्सी एपेटाइट या कैल्शियम फॉस्फेट, इनका इस्तेमाल बोन्स रिप्लेसमेंट मटेरियल के लिए किया जाता है। अब एक्सेल्स ही क्यों, आखिर ऐसा क्यों माना गया कि एक्सेल्स का इस्तेमाल पोटेंशियली बोन इम्प्लांट में किया जा सकेगा? एक्सेल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज वो लार्जली मिनरल्स से बने होते हैं, 95.1% मिनरल से बने होते हैं एक्सेल्स, और उसमें छोटा अमाउंट प्रोटीन और वाटर का भी होता है। सबसे खास बात कि जिस मिनरल से ये एक्सेल्स बने होते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा कैल्शियम की होती है, और कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट बोन इम्प्लांट कॉम्पोनेंट है जिसका इस्तेमाल यूजुअली किया जाता है। तो अब देखिए रिसर्च किस चीज़ पर चल रही थी, रिसर्च इस चीज़ पर चल रही थी कि साइंटिस्ट ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण कर सकें किसी नेचुरल सोर्स से, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट जिसका इस्तेमाल कॉमनली बोन सब्स्टिट्यूट मटेरियल के तौर पे किया जाता है। अभी तक जिस ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता था उसे केमिकल से तैयार किया जाता था, जो काफ़ी महंगा होता था और कई बार इंस्टेबल भी होता था। तो हमें एक ऐसे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट को तैयार करना था जो किसी नेचुरल सोर्स से बने, थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो। तो स्टडी में रिसर्चर्स ने ये पाया कि एक्सेल्स का इस्तेमाल करके उसे सिंथेसाइज करके थर्मली स्टेबल ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पाउडर तैयार किया जा सकता है। उन्होंने इसे डेवलप भी किया। ये जो नैनो पाउडर तैयार किया गया उसका जो कंपाउंड है वो एक इंसान के बाल से 1000 times छोटा है, और इसे तैयार करने के लिए एक मिलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया जिसे बाल मिलिंग प्रोसेस कहा जाता है। बाल मिलिंग प्रोसेस में होता यह है कि एक मिल चैम्बर होता है जिसमें छोटे छोटे स्टील के या किसी अन्य मेटल के बॉल्स होते हैं, और उन्हीं में अगर हम एक्सेल्स की बात कर रहे हैं तो एक्सेल्स को डाल दिया जाएगा। ये बॉल्स आपस में काफ़ी देर तक टकराते हैं, एज वेल एज जो एक्सेल्स हैं उनसे भी टकराएंगे, और उनको बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है, काफ़ी इफेक्टिव प्रोसेस होता है, और बहुत ही बारीक मिलिंग करने का सबसे इफेक्टिव प्रोसेस बाल मिलिंग ही माना जाता है। तो इसी का इस्तेमाल करके इस नैनो पाउडर का इस्तेमाल किया गया। नैनो पाउडर तैयार करने के लिए, नैनो कंपाउंड तैयार करने के लिए बॉल मिलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो रिसर्च इसी भी चीज़ पर चल रही थी और एक्सेल्स इसमें कारगर साबित हुए हैं। रिजल्ट्स क्या होंगे या बेनिफिट्स क्या होंगे? देखिए रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि जो एक्सेल एक वेस्ट के रूप में निकल के आता है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है कि वो कमर्शियली अवेलेबल ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट को रिप्लेस कर सकता है जिसे हार्मफुल केमिकल्स से तैयार किया जा रहा था, और इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो बायोमटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा बोन इम्प्लांट में। एक्सेल्स काफ़ी इनएक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगे होते नहीं हैं, बिकॉज एक्चुअली में ये कचरा होता है जिसे अंडे के इस्तेमाल के बाद यूजली फेंक दिया जाता है, और इसे अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाया भी जा सकता है बिकॉज अंडे को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसके छिलके बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं।
अगर इनका कमर्शियल यूज़ हो रहा है तो बड़े आराम से ये मिल जाएंगे, तो अच्छा तरीका हो सकता है ये बोन इम्प्लांट का। तो ये बातें हमने बोन इम्प्लांट के बारे में डिस्कस की। अगला आर्टिकल नोटिफिएबल डिसीज़ के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी एक महीने पहले की बात है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली की सरकार से ये कहा था कि मलेरिया और डेंगू को नोटिफिएबल डिसीज़ बनाया जाए, और एक महीने बाद, मतलब एक महीने का समय बीत चुका है, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मलेरिया को नोटिफाई करने का काम शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब नोटिफिएबल डिसीज़ होने का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो किसी व्यक्ति को बीमारी हुई, वो अस्पताल में गया, उसने अपना इलाज करवाया, वो ठीक हो गया, ये तो एक सामान्य सा प्रोसेस रहा। अब ये बीमारी ऐसे बहुत सारे लोगों को होगी, वो इलाज करवाएंगे और ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं चल पाएगा कि बीमारी कितने लोगों को हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुत वाइड स्केल पर हो रही है? ऐसी बीमारियों को ट्रेस करने के लिए उन्हें नोटिफिएबल डिसीज़ बना दिया जाता है। नोटिफिएबल डिसीज़ बनने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस बीमारी के साथ किसी भी हॉस्पिटल में जा रहा है तो अथॉरिटीज़ को नोटिफाई करके बताया जाएगा कि इस हॉस्पिटल में इतने पेशेंट इस बीमारी के आ चुके हैं, और इतने सारे हॉस्पिटल्स को मिला के इतने सारे पेशेंट इस रीजन में इस बीमारी के आ चुके हैं। अब अंदाज़ा लग जाएगा कि बीमारी कितने वाइड स्केल पर है और इसके लिए क्या कलेक्टिव मेजर अपनाए जाने की आवश्यकता है क्या। तो नोटिफिएबल डिसीज़ ऐसी डिसीज़ होती हैं जिनके लिए बाई लॉ ये कह दिया जाता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ऐसी बीमारीज़ को रिपोर्ट करना ही होगा। सिग्निफिकेंस ये होती है कि कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है जो अथॉरिटीज़ को मदद करती है डिसीज़ को मॉनिटर करने में और अर्ली वार्निंग देने में। अगर बहुत सारे लोग उसी बीमारी से प्रताड़ित हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, तो फिर लोगों को अवेयर किया जा सकता है कि ऐसी बीमारी फैल रही है और लोगों को उससे बचने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। जैसे जब देखिए डेंगू होता है तो डेंगू बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने लगता है, ऐसी स्थिति में डायरेक्टिव जारी किए जाते हैं कि अगर आपके घर में साफ पानी है जो काफ़ी दिनों से इकट्ठा है तो आप उसे हटा दीजिए, क्या क्या एहतियात बरतिए कि डेंगू का प्रकोप आपके पास ना आने पाए। तो ऐसे डायरेक्टिव्स तभी दिए जा सकते हैं जब इस बात का पता लगाया जा सके कि कितने वाइड स्केल पर ये बीमारी फैल रही है। तो नोटिफिएबल डिसीज़ बनने के बाद ये काम आसान हो जाता है। तो जो प्रोसेस है वो सरकार को मदद करता है कि वो ट्रेस कर सकें ऐसी बीमारियों को, ट्रैक कर सकें, एक प्लान तैयार कर सकें, एलिमिनेट कर सकें और कंट्रोल कर सकें। ठीक है, रूल्स क्या हैं? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 1969 के तहत जो डिसीज़ है उसे WHO के पास भी रिपोर्ट करना होता है ताकि ग्लोबल लेवल पे उस डिसीज़ के आउटब्रेक का सर्विलांस किया जा सके और WHO एक एडवाइजरी रोल प्ले कर सके, बता सके कि ये बीमारी फैल रही है। प्रोसीजर क्या होता है? जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जिनके पास लोग बीमारी लेकर जाते हैं वो ऐसी बीमारियों को कंपल्सरली रजिस्टर करेंगे, नोटिफाई करेंगे और 3 दिन के भीतर अथॉरिटीज़ को इस बात की जानकारी दे देंगे कि कितने लोग इस बीमारी के साथ आ रहे हैं। अगर वो बीमारी ज़्यादा खतरनाक है तो 24 घंटे के अंदर ऑन कॉल भी बताया जा सकता है कि इतने लोग इस हॉस्पिटल में इस बीमारी के साथ आ चुके हैं। अर्जेंसी और सिचुएशन के हिसाब से ये रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक कई सारी डिसीज़ को नोटिफाइड डिसीज़ डिक्लेयर कर चुकी है, जैसे कि कॉलरा, डिप्थीरिया, एंसेफलाइटिस, लेप्रोसी, मेनिंगटिस, पर्टुसिस, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स, येलो फीवर, मलेरिया, डेंगू, ये सभी बीमारियां सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड डिसीज डिक्लेयर किए जा चुके हैं। वैसे जो मेजरली स्टेट गवर्नमेंट के पास काम होता है कि वो रूल्स बनाएं कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो उसे किस आधार पर नोटिफाई करेंगे और नोटिफाई ना करने पर उनके साथ क्या पनिशमेंट का प्रावधान किया जाएगा। तो नोटिफिएबल डिसीज के बारे में ये बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की। अगला आर्टिकल प्रेटोमैनिट के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी प्रेटोमैनिट टैबलेट्स को अप्रूव कर दिया है 2 अदर एंटीबायोटिक्स के साथ। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो जो एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल में TB को लेकर, उसे टैकल किया जा सकता है, उसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो जो नई दवा है प्रेटोमैनिट, इसने 89% जो पेशेंट्स थे उनको क्योर किया। जो इवेल्युएशन किया जा रहा था वो 107 पेशेंट्स में किया जा रहा था जिनमें बहुत ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंस था टीबी को लेकर, और 6 महीने बाद प्रेटोमैनिट के इस्तेमाल के बाद ये देखा गया कि जो स्थिति थी वो 89% लोगों की बेहतर हो गई। ऐसा तब हुआ जब 2 और एंटीबायोटिक्स के साथ इसका इस्तेमाल किया गया, दैट इज बेडाक्विलीन एंड लिनेजोलिड। ठीक है, तो देखिए जो 3 ड्रग कॉम्बिनेशन है या रेजिमन है जिसमें 3 दवाइयां हैं, बेडाक्विलीन, प्रेटोमैनिट एंड लिनेजोलिड, इन्हें कुल मिलाकर बीपाल भी कहा जा रहा है, बीपाल भी कहा जा सकता है। देखिए, इसके पहले जब तक FDA ने प्रेटोमैनिट को अलाउ नहीं किया था उसके पहले तक अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टीबी की जो दवाइयां हैं उनके लिए ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता था तो पेशेंट को 30 दवाइयां दिन में खानी पड़ती थी, दैट टू 18 महीने तक, यानी कि 1.5 साल तक, तब जाके स्थिति बेहतर होती थी। लेकिन इस नए ट्रीटमेंट के तहत किसी भी पेशेंट को केवल दिन में 5 गोलियां खानी होंगी और 6 महीने के भीतर ही स्थिति में सुधार आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा कदम माना जा रहा है टीबी के पर्सपेक्टिव से इसे। तो ये
पूरा आर्टिकल प्रेटोमैनिट के बारे में। तो अगला आर्टिकल सुप्रा स्कीम के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्व ने अभी एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है सुप्रा, फुल फॉर्म है साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट। ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे एक्सप्लोरेशंस को या साइंटिफिक या इंजीनियरिंग रिसर्च को फंड किया जाए जिनका ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मतलब ऐसे आइडियाज जो बहुत ही डिसरप्टिव हैं, डिसरप्टिव को आप निगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, मतलब ऐसे नए और इनोवेटिव साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, नए प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजीज जो किसी भी फील्ड में एक नया रिसर्च का एरिया खोल देंगे या फिर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। डिसरप्टिव को आप पॉजिटिवली ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा पूरा एक एरेना है प्लास्टिक का, बहुत लंबे समय से इसका इस्तेमाल हो रहा है, बट हाईली निगेटिव इम्पैक्ट इसके हैं। अभी तक जो भी नेचुरल प्रोडक्ट से प्लास्टिक लाइक कंपोनेंट्स तैयार किए जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ नहीं है। सपोज करिए कोई ऐसा सिंथेटिक कंपाउंड डेवलप कर लिया जाए जिसकी सारी प्रॉपर्टीज प्लास्टिक की ही हो, वो प्लास्टिक के जितना ही बनाना आसान भी हो, सस्ता भी हो, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल हो। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये पूरी प्लास्टिक इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये एक डिसरप्टिव आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? तो एक पॉजिटिव, ऐसे जो रिसर्चेस हैं उनको फंड करने की जरूरत है। तो सुप्रा स्कीम के तहत ऐसे रिसर्चेस को फंड किया जाएगा जो फोकस होगा वो इंक्रीमेंटल या शॉर्ट टर्म एडवांसेस पे नहीं होगा, बल्कि किसी ऐसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पर होगा जो वास्तव में बदलाव लेकर आए। प्लास्टिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी ने, जैसे अभी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो नागफनी है उसका जो कंपाउंड है उससे अभी एक शीट तैयार की गई जिसकी प्रॉपर्टी लगभग प्लास्टिक की है, लेकिन अभी वो डेवलपमेंटल फेज में है। अब उसका थोड़ा और डेवलपमेंट हो जाए तो उसके लिए फंड नहीं किया जाएगा कि आपने एक रिसर्च को थोड़ा सा और डेवलप कर लिया है, इंक्रीमेंट कर लिया है या एडवांस कर लिया है, उस पर फंडिंग नहीं मिलेगी। कुछ नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप करिए, उसे फंड किया जाएगा सुप्रा स्कीम के तहत, ठीक है? और उद्देश्य ये रहेगा कि हाई क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल्स को अट्रैक्ट किया जाए, नई नई हाइपोथेसिस को अट्रैक्ट किया जाए ताकि कुछ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस निकल कर आएं। साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। एक स्टैचुरी बॉडी है, 2009 में बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत। उद्देश्य ये था कि जो डिफरेंट साइंटिफिक डिसिप्लिनस हैं उसमें रिसर्च को फंड किया जाए और प्रमोट किया जाए। तो ये आर्टिकल सुप्रा स्कीम के बारे में रहा। आर्टिकल है वो पार्कर सोलर प्रोब के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि 12 अगस्त को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अपनी सर्विस के एक साल पूरे कर लिए। थोड़ी सी बातें नासा के पार्कर सोलर प्रोब के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। ये एक्चुअली में नासा का एक रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट है जिसको काम ये दिया गया था, इसको मिशन पे इस तरीके से भेजा गया था कि जो सन का आउटर कोरोना है ये उसे ऑब्जर्व करे। अगर आप कोरोना की बात करें तो कोरोना अपने आप में ही सन का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, और उसमें भी अगर हम आउटर कोरोना की बात कर रहे हैं, मतलब जो सन के सबसे बाहर का हिस्सा है, उसे ऑब्जर्व करने का काम पार्कर सोलर प्रोब को दिया गया है। सन के स्ट्रक्चर की बात करें तो सन के सबसे सेंटर में कोर होता है, उसके बाद एक रेडियो एक्टिव जोन होता है, ठीक है, और उसके बाद एक कन्वेक्शनल जोन होता है, उसके बाद ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसे आप एक्चुअली में देखते हो उसे कहा जाता है फोटोस्फीयर। लेटर ऑन आपको एक लेयर मिलती है दैट इज कॉल्ड क्रोमोस्फीयर, और उसके जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है दैट इज कोरोना, ठीक है। तो देखिए उद्देश्य यही है कि ये पता किया जा सके कि सन के कोरोना की एनर्जी या हीट मूव कैसे होती है, साथ ही कभी कभार जो सोलर विंड्स होती हैं वो काफ़ी तेज हो जाती हैं तो उसका क्या कारण होता है। इन सारी चीज़ों को पता करने का काम पार्कर सोलर प्रोब को दिया गया है। ये नासा के एक प्रोग्राम का पार्ट है, उस प्रोग्राम का नाम है लिविंग विद अ स्टार, मतलब एक स्टार के साथ जीना। उसी के तहत जो हमारा जो रिलेशन है सन और अर्थ का, ये जो सिस्टम है पूरा, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है, एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है, उसी का पार्ट है कि सन के कोरोना के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है। अच्छी बात यह है, आप ये भी जानते रहिए कि अगर आप पार्कर सोलर प्रोब की बात कर रहे हैं तो ये ह्यूमन मेड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सन के सबसे नज़दीक गया है, मतलब क्लोजेस्ट सबसे जाने वाला कोई ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट अगर है सन के, दैट इज पार्कर सोलर प्रोब। वाइड फील्ड इमेजर फॉर सोलर प्रोब विस्पर, ये एक इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है जो सोलर विंड को कैप्चर करता है या फिर जो सॉक्स वगैरह क्रिएट होते हैं, जो सोलर इजेक्शंस होते हैं लाइक एनर्जी, तो ये उनको ट्रैक करता है, उनकी इमेजिंग करता है। जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है उसके जरिए ये समझने का प्रयास किया जाता है कि आखिर एक्सट्रीम टेम्परेचर क्यों है कोरोना में, क्योंकि जो सन का इंटरनल पार्ट है वहाँ पर टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है जितना उसके आउटर मोस्ट पार्ट में है। तो उसका कारण क्या है, ये कैसे पार्टिकल्स या प्लाज्मा को स्पेस में छोड़ता है, इन सारी बातों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल कार्बन डॉट्स फोटोडायनेमिक थेरेपी के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि यूके के रिसर्चर्स ने अभी एक नई टेक्निक डेवलप की है जो लाइट बेस्ड कैंसर ट्रीटमेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव बना देगी, सेफ बना देगी और इसकी कॉस्ट को भी कम कर देगी, ठीक है।
तो अब ये आप इसको जानने से पहले मैं आपको लाइट बेस्ड जो ट्रीटमेंट किया जाता है या लाइट डायनेमिक थेरेपी कहा जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ये होता ये है कि इसमें ब्लड में एक ड्रग या दवा इंजेक्ट की जाती है। अब जहां पर कैंसर का ट्यूमर है, ब्लड के सहारे वो दवा जाके वहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगा लेकिन वर्क नहीं करेगा। उसके बाद एक लाइट, स्पेसिफिक लाइट इस पर थ्रो की जाएगी और उस लाइट के प्रभाव में आते ही ये जो ड्रग है ये अपना काम शुरू कर देगा और इस ट्यूमर को खत्म कर देगा। तो बिना लाइट के ये एक्टिव नहीं होता ड्रग, तो इसीलिए इसे लाइट बेस्ड कैंसर ट्रीटमेंट कहा जाता है। लेकिन होता यह है कि जो ड्रग ब्लड स्ट्रीम्स के सहारे ट्यूमर तक पहुंचाया जाता है, कई बार वो बहुत नुकसानदेह होता है। यू कैन से कि ये एक्टिव तब होगा जब इस पर लाइट पड़ेगी, लाइट के पड़े बिना भी ये काफ़ी टॉक्सिक होता है, नुकसानदेह होता है। हालांकि जो फोटोडायनेमिक थेरेपी है इसे क्लिनिकली अप्रूव कर दिया गया है। इसमें जिस दवा की हम बात कर रहे हैं उसे फोटोफ्रिन कहा जाता है, जो स्पेसिफिक तरीके के कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो दवा ट्यूमर तक जाएगी, फिर लाइट पड़ने पर वो एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन हाँ, और लाइट के प्रभाव में आने के बाद ये कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। काफ़ी तरीके के चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे हर हिस्से तक लाइट जा नहीं पाती तो ट्रीटमेंट कुछ स्पेसिफिक तरीके का ही हो पाता है। लाइट बेस्ड कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी महंगा पड़ता है प्रोसेस, और इनके कई तरीके के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिससे कई बार ट्रीटमेंट फेल भी हो जाया करता है। रिसर्चर्स ने, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं, अभी इन ड्रग्स को इम्प्रूव करने का एक मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जिसमें अब इन ड्रग्स को, इन दवाओं को कार्बन डॉट्स के सहारे भेजा जाएगा। अब कार्बन डॉट बोला जा रहा है, एक्चुअली में ये नैनो पार्टिकल्स हैं जो कि चमकदार होते हैं, फ्लोरोसेंट होते हैं। नैनो पार्टिकल्स में दवाओं को दो तरीके से भेजा जाएगा, या तो उन दवाओं को इन नैनो पार्टिकल्स के अंदर डाल दिया जाएगा या फिर वो जो दवा है वो इस नैनो पार्टिकल के ऊपर लगी रहेगी, ठीक है। और जब ये दवा नैनो पार्टिकल के ऊपर लगी रहती है या उसके अंदर डाल दी जाती है तो इनका साइड इफेक्ट सामान्य दवा की तुलना में 4 गुना कम हो जाता है। तो ये नैनो पार्टिकल्स के साथ अब दवा जाएगी और उसके बाद लाइट का इस्तेमाल करके कैंसर को ट्रीट किया जाएगा, मतलब इससे नुकसान बहुत घट जाएगा। देखेंगे अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल बायोसिमिलर मेडिसिन फॉर कैंसर के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने एक बायोसिमिलर मेडिसिन तैयार की है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वर्सावो। काम क्या होगा इस मेडिसिन का? काम होगा कैंसर का ट्रीटमेंट करना। बायोसिमिलर होने का मतलब क्या है? ये किसी एक मेडिसिन की जैसी ही है, कोई बायोलॉजिकल मेडिसिन। वो बायोलॉजिकल मेडिसिन कौन सी है जिसकी तर्ज पे इसे तैयार किया गया है? रोकेस कंपनी की अवोस्टिन एक मेडिसिन है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। वो एक बायोलॉजिकल मेडिसिन है या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं या मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको किसी ऑर्गेनिज्म की मदद से तैयार किया जाता है या बायोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है, और उनको कॉपी करके जो मेडिसिन बनाई जाती है उसे बायोसिमिलर कहा जाता है। तो वर्सावो एक तरीके का बायोसिमिलर है। अब देखिए, होता यह है कि सपोज करिए एक कंपनी है ए, इन्होंने एक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके एक मेडिसिन तैयार की, नाम था एक्स, ठीक है। अब कंपनी बी भी वैसी ही एक मेडिसिन बनाना चाहती है क्योंकि कंपनी ए की ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी है, तो कंपनी बी सेम इंग्रेडिएंट आई ले लेगी। लेकिन जो प्रोसेस तैयार करने का था, जो दवा को एक्स को तैयार करने का प्रोसेस था, वो कोई दूसरा प्रोसेस ऑप्ट करेंगे, कोई नया प्रोसेस इवॉल्व करेंगे और फिर एक मेडिसिन तैयार कर देंगे जिसका नाम होगा वाई। वाई मेडिसिन के इफेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जो एक्स मेडिसिन के हैं, लेकिन यहां पर प्रोसेस अलग होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से ऐसी मेडिसिन को जेनरिक मेडिसिन कहा जाता है। अब बायोलॉजिकल मेडिसिन में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहां पे तो आप सेम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं उनको सेम टू सेम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर कोई एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली ऐसा हो, सपोज करिए कंपनी ए ने चूहे के दांत से एक मेडिसिन तैयार करी, ठीक है। अब कंपनी बी को अगर सेम मेडिसिन तैयार करनी है तो वो चूहे के दांत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। या जैसे कि अगर रियल एग्जांपल की बात करें तो जो डायबिटीज के लिए मेडिसिन तैयार की जाती है उसमें इकोली बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अब सेम कंपोनेंट का इस्तेमाल करके, सेम बायोलॉजिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करके कंपनी बी वो दवा नहीं बना सकती। अब कंपनी बी को एक नया प्रोसेस और एक नई मेडिसिन के लिए कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट ढूंढना होगा। अब सपोज करिए कि उन्होंने बिल्ली के जो बाल हैं उससे सेम प्रभाव वाली दवा बना ली, अब उस दवा को कहा जाएगा बायोसिमिलर, मतलब इंपैक्ट बिल्कुल सिमिलर जो कंपनी ए की दवा है वैसा ही होगा लेकिन जो कंपोनेंट या फिर जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया गया है वो अलग है, ठीक है। तो इसे बायोसिमिलर कहा जाता है। तो बायोसिमिलर मतलब आप समझ गए, बायोसिमिलर एग्जैक्टली इसके नाम की तरह ही है, मतलब ये एक दूसरी बायोलॉजिकल मेडिसिन की तरह ही होता है।
जो एक रेफरेंस प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इसे रेफरेंस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो बायोलॉजिक से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उनका, और बहुत ही केयरफुली उनको हैंडल करना होता है मॉनिटर्ड कंडीशन में, बिकॉज गड़बड़ी होने पर दवा के साइड इफेक्ट्स बुरे हो सकते हैं। जो बायोलॉजिक्स होते हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है वैरायटी ऑफ डिसीजेस को क्योर करने के लिए, जैसे कि कैंसर, क्रॉनिक किडनी डिसीज, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इन सभी को हैंडल करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेडिसिन है उनका इस्तेमाल यूजुअली किया जाता है। बायोसिमिलर्स बिल्कुल वैसे ही जो बायोलॉजिक्स होते हैं उनके जैसे ही होते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, उनकी सेफ्टी, प्योरिटी, जो पोटेंसी होती है लगभग वैसी होती है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल अलग तरीके से किया जाता है। इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरर है बायोलॉजिक्स सिमिलर्स तैयार करने में या बायोसिमिलर तैयार करने में। इंडिया के द्वारा 2012 में कुछ गाइडलाइंस जारी करी गई थी कि प्री या पोस्ट मार्केटिंग के लिए अगर आप सिमिलर बायोलॉजिक्स तैयार कर रहे हैं तो क्या क्या बातों को फॉलो करना होगा। ये गाइडलाइंस इस तरीके से तैयार की गई हैं ताकि जो क्वालिटी है, सेफ्टी है, इफिशियंसी है बायोसिमिलर्स की, उनको इंश्योर किया जा सके, ठीक है। अगला आर्टिकल सेरिसिन के बारे में है। सेरिसिन एक सिल्क प्रोटीन है। सिल्क प्रोटीन के काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस हैं। कॉन्टेक्स्ट यही है कि इंडियन साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में इस सिल्क प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया है, डिस्कवर किया है, जिसको नाम दिया गया है सेरिसिन। अब ये निकला कहाँ से? ये मिल रहा है सिल्क वॉर्म से, यानी कि जो रेशम की कीड़े हैं उन्हीं से इनको पाया गया है, और इनका इस्तेमाल जो ब्यूटी या स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनमें किया जा सकता है। ये स्किन को और बेहतर कर सकते हैं। ये एक तरीके का प्रोटीन है सेरिसिन, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट फीचर पाए जाते हैं। जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं हमारी बॉडी को कई तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी त्वचा को अच्छा रखते हैं। और भी कई तरीके की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं सेरिसिन की, और ये प्रॉपर्टीज़ हालांकि वैरी करती हैं कि इसे किस तरीके के सिल्क वॉर्म से पाया जा रहा है, क्योंकि कई तरीके के जो सिल्क वॉर्म्स हैं वो सेरिसिन निकालते हैं। अब वो सेरिसिन किस तरीके के सिल्क वॉर्म से निकल रहा है उसी के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी भी वैरी करेगी। इसका इस्तेमाल स्किन को ऑक्सीडेटिव डैमेज, सनबर्न, प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकलिंग और या फिर स्किन कैंसर से बचाने के लिए किया जा सकता है। सेरिसिन अलग अलग कुकून से निकलते हैं, जो रेशम के कीड़े होते हैं उनसे निकलते हैं, जैसे मूरी, मूगा और ईरी। तो ये जिस तरीके के रेशम के कीड़ों से निकल रहे हैं उसी तरीके की इनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अगला आर्टिकल EVBAB नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में है। EVBAB का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है ई विद्या भारती एंड आरोग्य भारत। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है विद्या भारती, आरोग्य भारती? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी इंडिया और जाम्बिया के बीच में 10 MOUs साइन किए गए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उन 10 MOUs में एक MOU EVBAB के बारे में भी था। अब ये ई विद्या भारती या आरोग्य भारती है क्या? देखिए, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें जो वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ के स्टूडेंट को टेलीकम्युनिकेशन के बारे में टीच किया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जाम्बिया की लोकेशन आप सबसे पहले मैप में देख लीजिए, ये जाम्बिया है। अफ्रीका का ओवरऑल आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर जाम्बिया है, और यहाँ पर आप इसकी ब्रॉडर पिक्चर देख सकते हैं। जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी आप देख लीजिए, ये है कॉन्गो DRC, ये है तंजानिया, यहाँ पर मालावी है, ये मोजाम्बिक है, ये जिम्बाब्वे है, ये नामीबिया है। नामीबिया का थोड़ा सा बॉर्डर जाम्बिया से टच करता है, और ये है अंगोला। यहाँ पर देखिए लेक वेरू है जो जाम्बिया और कॉन्गो DRC के बॉर्डर पे है, और यहाँ पर तंगानिया और जाम्बिया के बॉर्डर को टच करता है लेक तंगानिका, ठीक है, लेक तंगानिका। ये जो लेक न्यासा है वो जाम्बिया को टच नहीं करता। तो मैप आपने यहाँ पर देख लिया। कॉन्टेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि इंडिया और जाम्बिया के बीच में जो 10 MOU साइन किए गए उसमें EVBAB भी एक पार्ट था। तो अब EVBAB के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड का। ये दोनों मिलकर इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट। ये एक्सटेंशन है इसके फेज वन का। जो EVBAB का फेज वन था वो पैन अफ्रीका लेवल पे 2009 से 2017 के बीच में इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसके 48 पार्टनर कंट्रीज थी। अफ्रीका के 48 देश इस इनिशिएटिव का पार्ट थे। अभी फिर से 5 साल के लिए इसे एक्सटेंड किया गया है फेज टू में, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेली एजुकेशन दी जाएगी। टेली एजुकेशन के कोर्सेज चलाए जाएंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जहां पर 4000 स्टूडेंट्स को हर साल अफ्रीकन कंट्रीज़ से उनको एकेडमिक डिसिप्लिन में पढ़ाया जाएगा और टेली कम्युनिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जो EVBAB नेटवर्क प्रोजेक्ट है इसे पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करेगा, और जो पूरा ड्यूरेशन है 5 साल तक का जो समय बताया गया है, इसमें जो भी पार्टनर कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की वहाँ से कोई भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो ये बातें हमने EVBAB के बारे में डिस्कस की।
अगला आर्टिकल राइस फोर्टिफिकेशन पायलट स्कीम के बारे में है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि राइस फोर्टिफिकेशन होता क्या है। देखिए, चावल हम खाते हैं, लेकिन चावल में वो सभी न्यूट्रिशंस नहीं होते जो रिक्वायर्ड हैं। इससे माल न्यूट्रिशन की समस्या बनी रहती है। तो चावल में न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से आ जाए, उसके लिए राइस को फोर्टिफाई किया जाता है। फोर्टिफाई करने के लिए एक पूरा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें राइस को सबसे पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, फिर उसको चावल के आटे में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब राइस फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं, जैसे कि आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए एंड डी, उन्हें उसमें मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद उसे फिर से प्रोसेस करके चावल के फॉर्म में लेकर आते हैं। अगर गेहूं के साथ ये प्रोसेस करना है तो गेहूं में तो सीधे सीधे आटे में मिक्स कर दिया जाता है और फिर उसे प्रोसेस नहीं करना पड़ता, लेकिन जब चावल में मिक्स करते हैं तो वापस उसे चावल के फॉर्म में मॉइस्चर मिक्स करके कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे पकाया जाता है, या फिर जो नॉर्मल चावल होता है उसके साथ ब्लेंड कर दिया जाता है, उसी में मिक्स कर दिया जाता है, ताकि मिनरल्स बच्चों तक जो मालन्यूट्रिशन का शिकार है उन तक पहुंचा दिया जाए उन चावलों को। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, श्री राजीव कुमार जी, उन्होंने राइस फोर्टिफिकेशन पायलट स्कीम के बारे में डिस्कशन किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पीडी यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जो इस समय श्री रामविलास पासवान जी हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम होगी जहां पर राइस को फोर्टिफाई करने का प्रयास किया जाएगा और उस फोर्टिफाइड राइस को पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस स्कीम को अभी सरकार ने अप्रूव कर दिया है। फोर्टिफिकेशन एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजी है माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए, जहां पर मिनरल्स जैसे कि आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए और डी को स्टेपल फूड जैसे कि राइस, व्हीट, ऑयल, मिल्क और साल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, ताकि लोगों तक जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं उन तक न्यूट्रिशन की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसमें 90% नॉर्थ ईस्टर्न और हिली और आइलैंड स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 75% असिस्टेंस अदर स्टेट्स को दिया जाएगा। जो सरकार है वो सभी स्टेट्स और यूटी को एडवाइस करती है, उन्होंने एडवाइस किया है कि वो सभी लोग व्हीट फ्लोर को पीडीएस के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करें जो कि फोर्टिफाइड हो, ताकि न्यूट्रिशन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। फसाई ने यानी कि FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड फोर्टिफिकेशन के लिए प्रॉपर रेगुलेशंस तैयार किए हैं, जिसे आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स रेगुलेशंस 2016 के नाम से जानते हैं, जिसमें सर्टेन स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए गए हैं कि किस तरीके से जब फूड को फोर्टिफाई किया जाएगा तो प्रोडक्शन किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर ये टाटा ट्रस्ट और फसाई के कोलाबोरेशन से तैयार किया गया है, जो कि इस दिशा में रिसर्चेस वगैरह किया करता है। अगला आर्टिकल फेडोर के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि रशिया ने एक अनमैंड रॉकेट अभी स्पेस में भेजा है। उस अनमैंड रॉकेट में एक लाइफ साइज्ड ह्यूमनाइड रोबोट को भेजा गया है। इस रोबोट का नाम फेडोर है। फेडोर का मतलब है फाइनल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च। इसे स्काईबोट F850 नाम भी दिया गया है और ये रशिया के द्वारा भेजा गया पहला रोबोट है। ये स्पेस में 10 दिन बिताएगा और वहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स के साथ वर्क करने का प्रयास करेगा, उन्हें असिस्ट करने की कोशिश करेगा, उनकी मदद करने की कोशिश करेगा। फेडोर ह्यूमन मूवमेंट को कॉपी कर सकता है और रिमोट एरियाज में एस्ट्रोनॉट्स की मदद के लिए जा सकता है। फेडोर अर्थ पर भी काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है, जहां पर वो हाई रेडिएशन वाले एनवायरमेंट में काम कर सकता है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि फेडोर रशिया के द्वारा भेजा गया पहला रोबोट है जो स्पेस में जाएगा। ये ऐसा नहीं कि ये पहला रोबोट है जो स्पेस में जाएगा। 2011 में नासा ने रोबोनॉट 2 को, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट था, उसको स्पेस में भेजा था, जो कि सिमिलर फंक्शंस के साथ ही गया था कि वो हाई रिस्क एनवायरमेंट में वर्क कर सके एस्ट्रोनॉट्स के साथ। 2018 में कुछ प्रॉब्लम्स के चलते उसे वापस अर्थ पे बुला लिया गया था। इसके इतर 2013 में जापान ने भी एक छोटा सा रोबोट जिसका नाम किरोबो था, उसे स्पेस में भेजा था। ये टोयोटा के द्वारा डेवलप किया गया था, ये केवल जापानीज लैंग्वेज में ही कन्वर्सेशन कर सकता था। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक के बारे में है, SIT के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि बांग्लादेश अभी हाल ही में स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक को अप्लाई करने की फिजिबिलिटी पर स्टडी कर रहा है, ताकि डेंगू के आउटब्रेक को रोका जा सके बांग्लादेश में। एक्सपर्ट्स की एक टीम जिसमें WHO, FAO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के इतर, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक्सपर्ट्स भी शामिल थे, वो ढाका जाते हैं और इस टेक्निक की फिजिबिलिटी पर डिस्कशन करते हैं। अब यू में भी सरप्राइज कि IAEA का यहाँ पर क्या रोल हो सकता है डेंगू को रोकने के लिए। एक्चुअली में जो स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक है उसमें रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है।
अगर रेडिएशन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो IAEA का रोल तो आ ही जाएगा। स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक एक मॉस्कीटो फाइट मॉस्कीटो टेक्निक है। इसमें मॉस्कीटोज का सहारा लेकर ही मॉस्कीटोज से लड़ाई लड़ी जाती है। होता क्या है इसमें, देखिए कुछ मेल मॉस्कीटोज को पकड़ लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद उन्हें रेडिएशन से स्टरलाइज कर दिया जाता है ताकि वो बच्चे पैदा ना कर पाए। रेडिएशन के उनके ऊपर रेडिएशन का प्रभाव डाल के उनको स्टरलाइज कर दिया जाएगा और फिर उन्हें ऐसे एरियाज में ले जाकर बड़ी मात्रा में छोड़ दिया जाएगा जहां पर डेंगू की समस्या ज़्यादा रहती है। डेंगू को फैलाने वाली जो फीमेल एडीज एजेप्टी मॉस्कीटोज हैं, जब वो उनके साथ मेट करते हैं तो फिर बच्चे पैदा नहीं होते, मतलब कि जो मच्छरों का प्रकोप है वो कम होने लगता है, ऐसे मच्छरों की संख्या कम होने लगती है जो कि डेंगू फैला सकते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मेथड है जो कि मॉस्कीटोज के जो प्रकोप है उनको कंट्रोल कर सकता है, किसी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया जाता, दैट्स वाई ह्यूमंस को भी नुकसान होने की संभावना नहीं रहती। ग्लोबल सिनेरियो में इसका इस्तेमाल चाइना के गुआनजाओ में दो जगहों पर किया जा चुका है और सक्सेसफुल रहा है, मतलब वहाँ पर मच्छरों के प्रकोप को रोका भी जा सका है। तो स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक के बारे में होपफुली आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के बारे में। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट यह है कि अभी हाल ही में यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक जो लेबोरेटरी है जिसे आप नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के नाम से जानते हैं, आप इन ब्रीफ उसे CSIR NPL कह सकते हैं, उसे नेशनल वेरिफिकेशन एजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने CSIR NPL को एक नेशनल वेरिफिकेशन एजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। अब नेशनल वेरिफिकेशन एजेंसी डिक्लेयर होने के बाद CSIR NPL का काम क्या होगा। अब CSIR NPL जो भी इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं, इक्विपमेंट तैयार किए जा रहे हैं जो एयर में पोल्यूशन को मॉनिटर करेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, वो सर्टेन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये सर्टिफाई करने का अधिकार अब CSIR NPL के पास आ गया है जब उन्हें नेशनल वेरिफिकेशन एजेंसी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो कॉन्टेक्स्ट तो आप समझ गए। तो अब देखिए कि ये CSIR NPL इस दिशा में काम कैसे करेगा। वो जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करेंगे, एक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करेंगे, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज को डेवलप करेंगे ये देखने के लिए कि जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं एमिशन को मॉनिटर करने के लिए वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से कंप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। अब आखिर ऐसे इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट को वेरीफाई करने की आवश्यकता पड़ क्यों रही है। कारण ये है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, उसके बाद ऐसे इक्विपमेंट की एक बूम देखने को मिली जो एयर क्वालिटी को रियल टाइम मॉनिटर कर सकें। कई सारी जो एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में, वो लगातार ऐसे इक्विपमेंट्स को डेवलप कर रहे हैं। मुद्दा ये था कि उन इक्विपमेंट्स की क्वालिटी अच्छी हो और इस क्वालिटी को वेरीफाई किया जा सके, और उसी वेरीफिकेशन की जिम्मेदारी अब NCIR NPL को दे दी गई है। जो NCAP है यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये है कि 2017 के लेवल पर 2024 तक PM 2.5 और PM 10 का जो लेवल है उसे 20-30% तक कम कर दिया जाए। PM 2.5 बहुत ही फाइन और रेस्पिरेबल पॉल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी सांस के साथ हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। PM 10 उससे थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ये टारगेट किया गया है 102 सिटीज में जिसमें दिल्ली भी इंक्लूडेड है। दिल्ली में जो मॉनिटरिंग का लेवल है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कुछ बातें हम CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया के बारे में समझ लेते हैं। CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, ये इंडिया की मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी की तरह भी वर्क करती है। ये जो SI यूनिट्स हैं इंडिया की उनको मेंटेन करती है। SI यूनिट से हमारा मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट से है, जैसे वेट के मेजर्स हैं या अदर जो यूनिट्स हैं उनको यहीं पर उनके प्रोटोटाइप को सिक्योर किया जाता है। जैसे इसके पहले एक रॉड के जरिए जो वेट को मेजर किया जाता था तो उस यूनिट को यहाँ इसी लेबोरेटरी में सिक्योर किया जाता था। हालांकि अब वो मेजरमेंट बदल चुका है, अब वेट को प्लैंक कॉन्स्टेंट के जरिए मेजर किया जाता है। कुछ और बेसिक बातें, जैसे कि जो NPL है उसे कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था 1943 में। जो CSIR की गवर्निंग बॉडी थी उन्होंने ऐसा प्लान किया था कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रियल ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ा सके। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 4 जनवरी 1947 को इस लेबोरेटरी के फाउंडेशन स्टोन को स्थापित किया। अगला आर्टिकल ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, नासा अपने जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप को प्लान कर रहा है कि वो 2021 में जब उसे लॉन्च करेगा
तो उसके जरिए नए स्टार्स कैसे बॉर्न होते हैं उसे भी इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, यूनिवर्स रहस्यों से भरा हुआ है, वहाँ पर कई सारे स्टार्स बनते और ख़त्म होते रहते हैं। उनके निर्माण की प्रक्रिया को इस टेलीस्कोप के जरिए देखा जा सकेगा और इसके लिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग से आपका मतलब क्या है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले तो लेंसिंग समझनी होगी। देखिए, लेंस वर्क कैसे करता है। लेंस का एक बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो जो लाइट है उसे डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस जो लाइट है उसे एक जगह पे एक्यूमुलेट कर देता है। लेंस एक मैग्नीफायर की तरह भी वर्क करता है, मतलब कि वो चीज़ों को आपके सामने बड़ा करके दिखाता है। लेकिन अंतरिक्ष में होने वाली इन बड़ी घटनाओं को हम बड़े स्केल पर कैसे देख सकते हैं, चूंकि ये घटनाएं बहुत दूर घटित हो रही होती हैं, इनका आकार बहुत छोटा होता है। और टेलीस्कोप सामान्य आंखों से तो छोड़ दीजिए, टेलीस्कोप भी इन्हें बड़ी मुश्किल से डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इनके लिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग पर चलने से पहले मैं आपको ग्रेविटेशन के प्रिंसिपल बता देता हूँ, जो कि एक्सप्लेन किए गए थे एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा अपने 1915 के एक जर्नल में, जहाँ पर वो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ पर जो वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को एक्सप्लेन करते हैं तो वो ये बताते हैं कि जो अंतरिक्ष में बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअली में स्पेस टाइम को बेंड करते हैं। मतलब आप ये मत समझिए कि जो अर्थ है वो हवा में कहीं लटकी हुई है, आप ऐसे इमेजिन करिए कि अर्थ को किसी एक सेमी लिक्विड मैटर में रखा गया है, या यूं सामान्य भाषा में पिक्चर करिए कि अर्थ को किसी एक चादर के ऊपर रख दिया गया है। जब चादर के ऊपर या किसी सेमी लिक्विड मैटर में आप अर्थ या सन को रख देंगे, यू विल फील कि उसके बीच में एक बेंड क्रिएट होगा जो अंदर की ओर झुका हुआ होगा, और अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो इस झुकाव के कारण अर्थ की ओर अट्रैक्ट होने लगेगा। उसे ही आइंस्टीन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्पेस टाइम को बेंड करते हैं। स्पेस टाइम एक सेमी लिक्विड मैटर की तरह है जिस पर रखी गई चीज अपने आसपास के एरिया को अपनी ओर झुका देती है, और उसके प्रभाव में आने वाली कोई भी चीज उस ऑब्जेक्ट की ओर अट्रैक्ट होने लगती है उस झुकाव के कारण, उस ढलान के कारण। उसे ही एल्बर्ट आइंस्टीन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब देखिए, जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा वो स्पेस टाइम को उतना ही ज्यादा बेंड करेगा। मतलब अगर आप चादर में कोई भारी गेंद रख दें या बड़ा कोई एक बड़ी बॉल रख दें तो वो चादर को ज्यादा, उसमें ज्यादा बेंड क्रिएट करेगा। एक छोटी सी बॉल रखेंगे तो वो कम बेंड क्रिएट करेगा। अगर आप बेंड देखें, अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक बेंड आ जाए तो वो बेंड कहीं ना कहीं लेंस की तरह वर्क करने लगता है, मतलब कि अब वो बेंड लाइट को डाइवर्ट करेगा। अगर कोई ऐसा बेंड है जो कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क कर रहा है तो वो एक मैग्नीफायर इफेक्ट भी देगा, मतलब वो छोटी घटनाओं को बड़ा करके दिखा देगा। मतलब अगर यहाँ पर कोई गैलेक्सी है, उसने स्पेस टाइम में एक बेंड क्रिएट किया है, यहाँ पर कोई स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि अपने पीक स्टेज में है, तो यहाँ से जो लाइट निकल के आएगी वो स्पेस टाइम के नज़दीक पहुँचने के बाद बेंड हो जाएगी, और बेंड होने के बाद वो एक मैग्नीफायर इफेक्ट के साथ बड़े आकार में जेम्स वेब टेलीस्कोप तक पहुंचेगी, जिसे टेलीस्कोप डिटेक्ट करके हमारे तक पहुंचा देगा। तो यहां पर एक पूरे गैलेक्सी के द्वारा स्पेस टाइम में किया गया बेंड एक लेंस की तरह वर्क करता है। क्योंकि जो स्पेस टाइम में बेंडिंग होती है उसे ग्रेविटेशन कहा जाता है, तो ये जो लेंसिंग का इफेक्ट हमें किसी भी स्पेस के ऑब्जेक्ट की बेंडिंग की वजह से मिल रहा है उसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपने ग्रेविटेशनल लेंसिंग नहीं समझा तो आगे का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा नहीं। जो स्पेस टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट बेंड क्रिएट कर रहा है वो बेंड एक लेंस की तरह वर्क करता है, क्योंकि वही ग्रेविटेशनल का इफेक्ट भी होता है, तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो लेंस की तरह वर्क करता है उसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। वो हमें एक मैग्नीफायर इफेक्ट देता है जिससे दूर हो रही कोई छोटी सी घटना हमें बड़े आकार में दिखाई पड़ती है और हम उसे डिटेक्ट कर पाते हैं, देख पाते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं स्पेस में वो नेचुरल लेंसिंग की तरह काम करते हैं, और उनकी मदद से जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो जो कई सारे स्टार्स का फॉर्मेशन होता है उन्हें डिटेक्ट कर पाएगा, उनको समझ पाएगा। आर्टिकल MCRBC के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के साइंटिस्ट की एक टीम ने अभी ये क्लेम किया है कि उन्होंने MCRBC के एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझ लिया है या उसे डिटरमाइन कर लिया है। अब ये बात तो ठीक है,
कि साइंटिस्ट ने MCRBC के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर लिया या उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब सवाल यह है कि MCRBC है क्या? ये MCRBC एक कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियल प्रोटीन है, या आप इसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कह सकते हैं। अब अगर ये प्रोटीन है या फिर एंजाइम है तो इसका काम क्या है? एक्चुअली में ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और ये बैक्टीरिया को वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। वायरस जिस तरीके से इंसानों पर हमला करके नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे ही वायरस बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वो बैक्टीरिया में अपना डीएनए छोड़ देते हैं, वो डीएनए मल्टीप्लाई करता है और बाद में वो बैक्टीरिया की सेल को ब्रस्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। बैक्टीरिया खुद को बचाने के लिए अपने इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करता है। ये एंजाइम बायोलॉजिकल या मॉलिकुलर सीजर की तरह वर्क करता है। जब कोई भी वायरस अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल में छोड़ता है तो ये एमसीआरबीसी उस सेल को या उस डीएनए को सेल के अंदर काट देता है, ख़त्म कर देता है। मतलब वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए बैक्टीरिया एमसीआरबीसी का इस्तेमाल करता है। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि एमसीआरबीसी किसी भी बैक्टीरिया का एक इम्यून सिस्टम है। जिस प्रकार से इंसानों का एक इम्यून सिस्टम होता है वो हमें बाहर की बीमारियों से बचाता है, उसी प्रकार से बैक्टीरिया अपने आप को एमसीआरबीसी की मदद से वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? आखिर हम क्यों एमसीआरबीसी के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे? एक्चुअली में एक थेरेपी होती है जिसे फेज थेरेपी कहा जाता है। अगर मान लीजिए हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और हम चाहते हैं कि शरीर में उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया जाए, तो उसके लिए कुछ सर्टेन टाइप्स के वायरसेस का इस्तेमाल किया जाता है। वायरस फायदेमंद भी होते हैं, नुकसानदेह भी होते हैं। अब वो वायरस जब उस बैक्टीरिया की सेल में जाके उसे ब्रस्ट करते हैं तो ये एमसीआरबीसी उसे काउंटर करता है, रोकने की कोशिश करता है। फेज थेरेपी में हम वायरस को छोड़कर बैक्टीरिया के सेल को नष्ट करते हैं ताकि इंसान को बीमारियों से बचाया जा सके। एमसीआरबीसी उस फेज थेरेपी को रोके ना, उसके लिए एमसीआरबीसी के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी था ताकि हम उसे रोक सकें, उसकी जो गतिविधि है उसे रोक सकें। तो रिपोर्ट में पाया गया है कि पहली बार हाई रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर जो है वो इंडिया से स्पॉट किया गया है, रिपोर्ट किया गया है। एमसीआरबीसी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के काफ़ी अच्छे और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। फेज थेरेपी अब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। फेज, ये जो शब्द है फेज, इसका मतलब किसी एक ऐसे वायरस से है जो बैक्टीरिया के अंदर जाकर खुद को रिप्रोड्यूस करता है। फेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर जाके खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। तो फेज थेरेपी में बैक्टीरियाज को नष्ट करने के लिए इस प्रकार के वायरसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और इन वायरसेस को एमसीआरबीसी ख़त्म ना कर दे, इसके लिए एमसीआरबीसी को समझना ज़रूरी था। इसके साथ ही साथ भविष्य में ये जो ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी हैंडल करने में मददगार साबित होगा। एमसीआरबीसी आप समझ रहे होंगे। देखिए, जो फेजेस होते हैं वो ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स में जाते हैं, उन्हें इन्फेक्ट करते हैं और मार देते हैं। फेज थेरेपी एक थेरोपेटिक यूज़ है जहाँ पर वायरसेस का इस्तेमाल करके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को काउंटर किया जाता है। अब ये जो मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं ये वर्क कैसे करते हैं? जैसे इंसानों का इम्यून सिस्टम होता है वायरसेस को लड़ने के लिए, वैसे बैक्टीरियाज का भी इम्यून सिस्टम होता है, जहाँ पर वो फेजेस से लड़ते हैं। फेजेस मतलब ऐसे वायरसेस से जो उनकी सेल को ख़त्म कर सकते हैं। फेजेस एक्चुअली में अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देते हैं, जहाँ पर ये डीएनए खुद को मल्टीप्लाई करते हैं और वायरस को डुप्लीकेट कर देते हैं, जिसके बाद वो सेल को इन्फेक्ट करके उसे ख़त्म कर देते हैं। और इसी चीज़ में एमसीआरबीसी बैक्टीरिया को बचाता है। इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए बैक्टीरिया के पास अपना एक स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूलर सीजर होता है, जिसे आप एमसीआरबीसी के नाम से जानते हैं। वो फॉरेन डीएनए को काट देता है, ख़त्म कर देता है, और इस लिहाज से वो बैक्टीरियल सेल को सेव कर लेता है। ये एमसीआरबीसी ना केवल वायरल डीएनए को काटता है बल्कि आने वाले किसी भी फॉरेन डीएनए को इन्फेक्ट करने से बैक्टीरियल सेल को रोक देता है। एमसीआरबीसी के स्ट्रक्चर को समझने के बाद जो फेज थेरेपी है उसमें और इफिशियंसी आएगी। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल मार्स सोलर कंजंक्शन के बारे में है। मार्स सोलर कंजंक्शन, अभी ये नासा के क्यूरियोसिटी रोवर या इनसाइड लैंडर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो यहाँ पर ये लैंडर है तो उसके पर्सपेक्टिव से ये तीनों एक सीध में आ जाएंगे। मार्स सोलर कंजंक्शन एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर बीच में सन आ जाता है, उसकी दूसरी ओर मार्स होता है और अदर साइड पर होता है अर्थ, तो तीनों एक सीध में आ जाते हैं। इसी स्थिति को मार्स सोलर कंजंक्शन कहा जाता है, जहाँ पर मार्स और अर्थ दोनों सन के अपोजिट साइड में होते हैं। अब देखिए, होता ऐसा है कि सन लगातार कुछ हॉट और आयोनाइज्ड गैस अपने कोरोना में से निकालता रहता है। कोरोना सन का अपर मोस्ट पार्ट होता है जो कि स्पेस में खूब दूर तक जाते हैं। सोलर कंजंक्शन की स्थिति में ये जो गैस होती है ये रेडियो सिग्नल्स को इंटरफेयर करती है। जैसे कई तरीके के, इंडिया ने भी अपना मंगल मिशन भेजा है, नासा के भी जो मिशन है वो मार्स पर वर्क कर रहे हैं, तो उनसे लगातार अर्थ से कम्युनिकेट किया जाता है। लेकिन जब मार्स
अर्थ और सन तीनों एक सीध में होते हैं, तो ये जो आयनोइज्ड गैस कोरोना से निकलती है वो रेडियो सिग्नल्स को हिंडर करती है, कमांड्स को करप्ट कर देती है, और जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो उनके बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड होने लगते हैं। ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए यूजुअली उस समय के लिए कमांड्स को देना बंद कर दिया जाता है। ये स्थिति 28 अगस्त से 7 सितंबर के बीच बनी रहेगी, जहां मार्स डिसअपियर हो जाएगा सन के पीछे की ओर, जिससे कि रेडियो इंटरफेरेंस ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, इसीलिए कमांड्स को भेजना कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। सोलर कंजंक्शन 2 साल में एक बार होता है। आर्टिकल मित्र क्रेटर के बारे में है। क्रेटर को हिंदी में गर्त कहा जाता है, इसका मतलब कि डिप्रेशन वाला कोई एरिया। ये क्रेटर कहीं भी पाए जा सकते हैं, अर्थ पे पाए जा सकते हैं, या फिर किसी एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल बॉडी पर भी पाए जा सकते, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर पाए जा सकते हैं, जैसे कि मून या फिर कोई एस्टेरॉयड। कॉन्टेक्स्ट यह है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर या फिर मदर स्पेस क्राफ्ट ने अभी एक क्रेटर पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी एक पिक्चर क्लिक, जो कि मून पर सिचुएटेड है। इस क्रेटर को एक नाम दिया गया है, नाम दिया गया है 20th सेंचुरी के रेडियो फिजिसिस्ट सिसिर कुमार मित्र के नाम पर। उन्हीं के नाम पर इस क्रेटर का नाम मित्र क्रेटर रख दिया गया। जिस कैमरे से इसकी फोटो खींची गई उसका नाम है टेरेन मैपिंग कैमरा 2, यानी कि TMC2। इस फोटो को क्लिक किया गया था 23rd ऑफ अगस्त 2019 को, और जब इस फोटो को क्लिक किया गया था तो ऑर्बिटर 4375 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, जहां पर ये इंपैक्ट क्रेटर्स को दिखा रहा था, जैसे कि जैक्सन, मित्र, मैक और कोरोलेव। इंपैक्ट क्रेटर्स ऐसे क्रेटर्स होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं शेप में, जिनका जो आकार है वो आपको गोल मिलेगा। गोल आकार वाले क्रेटर्स को इंपैक्ट क्रेटर्स बोलते हैं। ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, अर्थ पे भी, मून पे भी। तो इंपैक्ट क्रेटर्स की जब पिक्चर क्लिक कर रहा था टेरेन मैपिंग कैमरा 2, उसमें कई सारे क्रेटर्स सामने थे, लाइक जैक्सन, मित्र, मैक और कोरोलेव। उसी समय मित्र की भी पिक्चर क्लिक की गई थी। इसके इतर चंद्रयान 2 स्पेस क्राफ्ट ने कई और सारी फोटोग्राफ्स क्लिक की हैं नॉर्थ पोलर रीजन से मून के, जहां पर कई और अन्य इंपैक्ट क्रेटर्स देखे गए हैं, जैसे कि प्लास्केट, रोजदेस्वेंस्की और हरमाइट। ये सोलर सिस्टम का कुछ, या ये सोलर सिस्टम के कुछ कोल्डेस्ट स्पॉट्स में से एक हैं। ठीक है, तो मित्र क्रेटर के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं कि एक जो रेडियो फिजिसिस्ट है इंडिया के, सिसिर कुमार मित्र, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये एक और क्रेटर के किनारे पर स्थित है। जो पिक्चर है उसे टेरेन मैपिंग कैमरा 2 ने क्लिक की है, और जब इसे क्लिक किया गया तो ऑर्बिटर 4300 किलोमीटर की ऊंचाई पर था मून के। टेरेन मैपिंग कैमरा 2 के बारे में जानना चाहते हैं तो एक मिनिएचर वर्जन है टेरेन मैपिंग कैमरा का, जिसे चंद्रयान 1 मिशन में इस्तेमाल किया गया था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस कैमरा का यह है कि लूनर सरफेस को मैप किया जाए और देखा जाए कहां पर क्या चीज है। जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा टीएमसी 2 के द्वारा, वो हमें प्रॉपर क्लू दे देगा कि आखिर मून का इवोल्यूशन कैसे हुआ, और मून की एक 3D इमेज या 3D मैप तैयार करने में भी मदद मिलेगी कि उसका सरफेस एक्चुअली में कैसा है। सिसिर कुमार मित्र के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये 1890 से 1963 के बीच में रहे। ये बंगाल बेस्ड प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। इन्होंने कई सारी थियोरीज बताई हैं आइनोस्फेरिक साइंस के बारे में, इन्होंने काफ़ी कुछ डिटेल्स दी हैं, इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ आइनोस्फेरिक साइंस और रेडियो टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है इंडिया में। ये कुछ अन्य साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके इतर चंद्रयान 2 के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। देखिए, चंद्रयान 2 में कोशिश की जाएगी कि सॉफ्ट लैंडिंग की जाए। एक लैंडर भेजा जाएगा विक्रम, और एक रोवर होगा जिसका नाम प्रज्ञान है। रोवर मूव करके चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। जो हाई प्लेन्स हैं उनके बीच में, दो क्रेटर्स के बीच की जो जमीन है, वहां पर एक्सप्लोरेशन की प्रयास करेगा। क्रेटर्स के नाम हैं मैंजिनस सी और सिंपेलियस एन, इनके बीच में इन्हें उतारा जाएगा। ये पहला स्पेस मिशन होगा जहां पर साउथ पोलर रीजन में मून के सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। देखिए, नॉर्थ के रीजन में तो बहुत सारे देश मून मिशन भेज चुके हैं, लेकिन साउथ पोलर रीजन में अभी तक किसी ने कुछ भेजा नहीं है। तो इंडिया का ये मिशन पहला मिशन होगा पूरी दुनिया में जो साउथ पोलर रीजन पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, और ये पहला इंडियन एक्सपीडिशन होगा जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा लूनर सरफेस पर। दैट टू हमारी खुद की टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल होगी। इसके बाद इंडिया चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ठीक है, अगला आर्टिकल एरिया 51 के बारे में है। एरिया 51, जिसको आपने कई बार साइंस फिक्शन की मूवीज में, हॉलीवुड में देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने एक फेसबुक इवेंट पर साइन किया।
ये फेसबुक इवेंट इस तरीके से चलाया जा रहा था जिसमें लोग साइन करने के बाद ये प्रॉमिस कर रहे थे कि जो एलीज्ड सीक्रेट यूएस मिलिट्री बेस है जिसे एरिया 51 के नाम से जाना जाता है, जो नवादा के डेजर्ट में लोकेटेड है, वहाँ पर सभी लोग जाएंगे एक साथ, एक तरीके का ये रेड होगा, हमला होगा, और उसके बाद वो एरिया 51 के सीक्रेट्स को जानने का प्रयास करेंगे। एरिया 51 दुनिया भर में एक सस्पेंस बना हुआ है। जो फेसबुक इवेंट था उसका टाइटल था स्टॉर्म एरिया 51, मतलब एरिया 51 पर हमला करो, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, अगर सभी लोग एक साथ जाएंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें रोक नहीं सकती। लगभग 2 मिलियन लोगों ने सितंबर 20 के प्लान टू स्टॉर्म ऑफ यूएस एयरफोर्स फैसिलिटी, जिसको एरिया 51 के नाम से जाना जाता है, उस पर साइन किया। इसे ऑफिशियली नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। एरिया 51 एक्चुअली में नेलिस एयरफोर्स बेस का एक हिस्सा है जिसका इस्तेमाल ऑफिशियली ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे किया जाता है यूएसए की एयरफोर्स के लिए। क्योंकि जो एरिया 51 है वो काफ़ी सिक्रेसीज को अपने आप में समेटे हुए है, दैट्स वाई कई तरीके की कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी एरिया 51 के बारे में डेवलप हो चुकी हैं। कई सारे अमेरिकन तो ऐसा बिलीव करते हैं कि सरकार ने वहाँ पर एलियंस की बॉडी को छुपा रखा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो UFOs एलियंस के जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको एरिया 51 में रखा गया है जहां पर उनकी रिसर्च की जाती है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि यहां पर जो US के स्पेस एजेंसीज हैं वो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लोगों से यानी कि एलियन से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि इसी एरिया में टाइम ट्रेवल की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च चल रही है या उसे डेवलप किया जा रहा है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो CIA है USA की, उन्होंने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस यूटिलिटी का इस्तेमाल 1955 से करना शुरू कर दिया था और इसका इस्तेमाल वो टेस्ट और डेवलपमेंट के लिए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स के लिए कर रहे थे या स्टेल्थ फाइटर जेट्स को इसी एरिया में डेवलप किया जा रहा था। 2013 में CIA ने इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया था जहां पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि वो इस सीक्रेट मिलिट्री साइट का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। तो ये एक सिक्रेसी का एरिया है जहां पर कई सारे सीक्रेट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, ऐसे स्पेकुलेशंस हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, और इसी के संबंध में ये पूरा एक फेसबुक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसपे सभी लोग अपना समर्थन दे रहे थे। अगला आर्टिकल बायोमेट्रिक सीफेयरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट BSID के बारे में है। इसे अब आगे हम BSID बोलेंगे। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया अभी दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने फेशियल बायोमेट्रिक डेटा के लिए जो सीफेयरर्स होते हैं, जो जहाजों में काम करते हैं, उनके लिए BSID लॉन्च किया है। सीफेयरर्स ऐसे लोगों को बोला जाता है जो जहाजों में सर्विसेज देते हैं, काम करते हैं, जैसे कोई सामान या जो पूरा प्रॉपर शिप्स होते हैं जो सामानों को दूसरे देशों में लेकर जाते हैं, उन पे बहुत सारे एम्प्लॉयज किया करते हैं, तो उन्हें ही सीफेयरर्स बोला जाता है। उनका एक फेशियल बायोमेट्रिक डेटा तैयार कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग के द्वारा, जहां पर अभी इनिशियली 5 इंडियन सीफेयरर्स को BSID कार्ड दिए गए हैं। बाकी जितने भी रह जाते हैं, लगभग 2 साल के पूरे टाइम स्पैन में सभी सीफेयरर्स को BSID कार्ड दे दिया जाएगा। ये जो नया कार्ड है वो ILO का जो एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 185, जो सीफेयरर्स के आइडेंटिफिकेशन की बात करता है, उसको कन्फर्म कर रहा है। ये कन्वेंशन इंडिया ने 2015 में रेटिफाई कर दिया था, इसीलिए आवश्यकता थी कि इस संबंध में कुछ काम किया जाए। ये जो BSID प्रोजेक्ट है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मुंबई CDSE मुंबई के साथ मिलकर लॉन्च किया है। सरकार ने एक मर्चेंट शिपिंग सीफेयरर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट रूल्स भी इसीलिए नोटिफाई किया ताकि इसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। जो नया फेशियल बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है, ये जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं या फिर आपकी आंखों को स्कैन किया जाता है, इरिस बेस्ड बायोमेट्रिक डेटा होता है, उसका एडवांस वर्जन है, बिकॉज इसमें आपके पूरे फेस को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है मशीन लर्निंग के जरिए। तो बायोमेट्रिक सीफेयरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट BSID के बारे में ये बातें हमने यहां पे कवर की। नेक्स्ट आर्टिकल है श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है? तो देखिए, अभी एक इसराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है एंड उस नए कंसेप्ट का नाम इन्होंने इस ग्रेट मैथमेटिशियन के नाम पे रखा है। तो अब हम लोग इस पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है, जिनको इन्होंने रामानुजम मशीन का नाम दिया है, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो क्या है आखिर ये रामानुजम मशीन? तो देखिए, ये एल्गोरिथम है एंड ये एल्गोरिथम क्या करता है कि जितने भी हमारे जो कंजंक्शंस होते हैं डेली लाइफ में, उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में रिड्यूस करने की कोशिश करता है। कंजंक्शंस आप कह सकते हो, इट इज़ काइंड ऑफ ओपिनियंस, ठीक है? तो इसमें दे ट्राई टू ब्रिंग समथिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज सो दैट वी कैन एनालाइज देम।
तो ये आप बस याद रखिएगा कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, अभी अभी ज़्यादा कुछ इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए। बट हाँ, जो श्रीनिवास रामानुजम है, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ही इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल जीनियसेस। एंड ये कब एग्जिस्ट करते थे, ये हमारे 1887 से 1920। देखिए, ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल यूपीएससी फेमस जो एंशियंट फिगर्स हैं उनके टाइम पीरियड को पूछ रही है। अब ऐसे पूछ सकते हैं कि श्रीनिवास रामानुजम वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन इन द 16th सेंचुरी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू नो 1887 से लगभग 1885 आप रखिएगा, जब कांग्रेस आपकी बॉर्न हुई थी तब से 1920 के बीच में थे। अब देखिए, इनको जीनियस क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए, इन्होंने बहुत सारे सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे, एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर्स, इलिप्टिकल फंक्शंस, ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, इन्फिनिटी इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो अब आप पूछ लोगे कि तो इसमें नई बात क्या हो गई, तो यार ऐसे जीनियस कैसे हो गया। देखिए, जीनियस ये इसलिए हुए कि क्योंकि देखिए, इन्होंने इतने भयंकर भयंकर कॉन्सेप्ट में मदद करी एंड अपने सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, एंड इनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग IITs में जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, कुछ नया बिल्ड करते हैं, तो यू हैव अ प्रॉपर डिग्री, यू हैव प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, आप लोगों ने सीखा है, हम सब ने सीखा है, बट ऐसा कोई बंदा हो जिसने कुछ नहीं सीखा हो एंड स्टिल वो दे दे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज समथिंग इनबिल्ट। ठीक है, तो इसीलिए जो इनका श्रीनिवास रामानुजम है, इनका बहुत ज़्यादा नाम है एंड इन्होंने इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम ऊपर किया। तो 1887 से 1920 के बीच में आए थे, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस विच इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट आर्टिकल है हाइड्रोथर्मल कार्बनाइजेशन के बारे में। सो, ये टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए, क्योंकि देखिए आजकल यूपीएससी ऐसी टेक्नोलॉजी पे जो कूल कूल सी साउंड कर रही है एंड तो इस पे बहुत देखिए क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका एम, ये एम करती है कि जितना भी आपका वेट बायोमास है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए आप हाइड्रोचार में। अब ये हाइड्रोकार क्या होता है, एक टाइप का कोल लाइक फ्यूल होता है। ठीक है, एंड इसमें सूटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। So this technology is aimed as conversion of wet biomass into hydrocarbon, a coal-like fuel under suitable temperature and pressure. ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अभी क्या हुआ है recently, IIT खड़गपुर के लोगों ने ये जो टेक्नोलॉजी है हाइड्रोथर्मल कार्बनाइजेशन, ठीक है, इसको डेवलप किया है एंड ये क्या करती है, दैट कैन बी यूज टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो अगर कोई गीला सॉलिड वेस्ट है उससे एनर्जी जनरेट करनी है तो ये टेक्नोलॉजी है। तो अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, इस बार आया भी है 2019 का प्रीलिम्स में, इस बार क्वेश्चन आया था कि उन्होंने तीन चार टेक्नोलॉजी दे दी थी एंड पूछा गया था ये किस लिए है, तो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी पूछी गई थी। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यूज करी जा सकती है। अब देखिए, इंडिया को क्यों इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो वही बात है, हमारे देश में बहुत सारा रफली 55 मिलियन टन्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट किया जाता है एंड 85% ऑफ जो वेस्ट होता है दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल, इसीलिए इसको, इस बायोमास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोल लाइक बायोफ्यूल्स में। ठीक है, तो एंड जो ये हमारे देश का जो सॉलिड वेस्ट होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए जनरली हमारे यहाँ अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो रैग पिकिंग की जो गाड़ियाँ आती है जो कचरा लेने, वो कहती हैं सॉलिड में को अलग रखो, लिक्विड को अलग रखो, ऐसे ऐसे सेपरेट देखते हैं, बट इस रूल को कोई फॉलो नहीं करता एंड वी जस्ट डंप ऑल आवर जितना भी कूड़ा कचरा है, तो इसीलिए जो वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा गीला होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हाइड्रोथर्मल कार्बनाइजेशन। एंड देखिए, जो ये टेक्नोलॉजी है ये हेल्प करेगी इंडिया को अपने रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट को फुलफिल करने में, जो कि है 10 गीगावाट ऑफ बायो पावर बाय 2022। तो इस टारगेट, इस जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है हाइड्रोथर्मल कार्बनाइजेशन, इससे मदद हो पाएगी। फिर अगर देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाए तो ये कोई नई नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी यूज है जापान एंड जर्मनी में, तो अगर इंडिया भी अगर करेगी तो वी कैन हैव द इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये खुद इंडिया ने डेवलप करी है। सो आई होप आपको ये आर्टिकल आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट आर्टिकल है 3D प्रिंटिंग के बारे में। तो देखिए, 3D प्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी में पहले भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 3D प्रिंटिंग है क्या, तो देखिए अगर आप देखें तो इस टाइप के जो 3D प्रिंट करना, मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर मशीन में कुछ इनपुट करें, इनपुट डालें एंड वो चीज़ 3D फॉर्म में बन के आ जाए। सपोज करिए आपने एक चश्मे की फोटो डाली इसके अंदर, अब नीचे जो प्रिंटर रखा है उसके अंदर आपको वैसा ही चश्मा प्रिंट होके आ जाए, तो इस प्रिंटिंग को कहते हैं 3D प्रिंटिंग। जनरली देखिए, हम लोग जो प्रिंटिंग करते हैं वो 2D में होती है। 2D में क्या होती है, आप सिंपल जाते हैं कंप्यूटर में, कंट्रोल प्लस पी करते हैं तो वो इमेज इसमें बन के आ जाती है पेपर में, बट अगर वो इमेज आपके हाथ में आ जाए वैसी चीज़, तो उस चीज़ को कहते हैं हम 3D प्रिंटिंग। सो दिस 3D प्रिंटिंग इज ऑल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग।
इसमें क्या होता है, लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर उसको ऐड करते जाते एंड फाइनली डिजाइन प्रोडक्ट आ जाता है। एंड मेन इसका पर्पज़ क्या होता है कि आपको 3D मॉडल अवेलेबल होता है एंड जो कि बनता है लेयर अपॉन लेयर से, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंड देखिए ये अपोजिट होती है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, जिससे आपका देखिए एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि अगर आपको लेट से एक एक आपको एक शार्प सा नाइफ बनाना है, तो देखिए इसके दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं कि फर्स्ट आप लोग एक बड़ा सा रॉक ले एंड उस रॉक को घिसते रहे एंड फाइनली आप रिड्यूस कर देंगे एंड आपके पास ये नाइफ आ गया, ठीक है, या ये दिस इज कॉल्ड एज सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आप एक्स्ट्रा मटेरियल को चेकआउट करते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है या तो एग्जैक्टली आप वही मटेरियल को प्रोड्यूस कर दो। वो कैसे आप कर सकते हो, पहले एक छोटी सी लेयर लो, फिर उसके ऊपर इतनी सी रखो, ऐसे ऐसे करते 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 फाइनली आपको ये एक नाइफ मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से देखिए आपने ए नाइफ को प्रोड्यूस कर दिया, बट दिस इज कॉल्ड एज 3D प्रिंटिंग, दैट इज एडिटिव इन नेचर, एंड दिस इज कॉल्ड एज सब्ट्रैक्टिव प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। फिर देखिए जो इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर इसके एप्लीकेशन की बात किया जाए तो 3D प्रिंटिंग कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो देखिए डिफेंस एंड एरोस्पेस में हम कर सकते हैं, जो आपके प्रोस्थेटिक्स होते हैं वहाँ अप्लाई होता है, बायो प्रिंटर्स, टिश्यू इंजीनियरिंग, फिर आपका डेंटिस्ट्री में अगर आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाना है तो उसके हिसाब से ये कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, आर्किटेक्चर में, बहुत जगह इसका देखिए यूसेज है। तो ये आप आई होप आपको ये आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है सीड बॉल टेक्निक के बारे में। अब देखिए ये पहली बात, ये सीड बॉल होता क्या है, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सीड होंगे एंड उसको एक बॉल के फॉर्म में बना दिया जाएगा एंड देन उस बॉल को अलग अलग जगह फेंक दिया जाएगा, जिससे कि वहाँ पे आपके फिर प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाए। यही चीज़ है देखिए सीड बॉल, इट इज़ अ सीड दैट हैज़ बीन रैप्ड इन सॉइल मटीरियल्स, यूजुअली मिक्सचर ऑफ क्ले एंड कंपोस्ट एंड देन ड्राइड, एंड देन इसको रिलीज कर दिया जाता है। एंड अब क्या होगा, देखिए जहाँ भी ये जाएगा वहाँ पे आपका पानी हल्का सा अब्जॉर्व करेगा मॉइस्चर से, ठीक है, एंड फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लांट इससे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ग्रीन कवर बढ़ेगा, ग्रीन कवर आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो देखिए ये जो सीड बॉल मिशन है, ये पंजाब में बेसिकली जो ग्रीन कवर है इसको बढ़ाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीड बॉल टेक्निक के थ्रू हम ग्रीन कवर को बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों ने सदगुरु से, अगर आप लोग थोड़ा सा फॉलो करते हैं उनको, तो सदगुरु ने अभी जो मिशन जो कावेरी का स्टार्ट किया है, तो इस कावेरी के मिशन में भी वो यही एम कर रहे हैं कि वो लोग डोनेशन ले रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40 या 42 रुपीज़, एंड उसमें क्या कर रहे हैं, खूब सारे सीड बॉल्स लाखों प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड इसको यूज़ करके वो काफ़ी, जैसे इसको वाटर में फेंक देंगे एंड अलग अलग जगह में डाल देंगे, जिससे कि वहाँ पे ग्रीन कवर को बढ़ाया जा सके। तो सीड बॉल टेक्निक का बस यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए ये आर्टिकल आगे बताता है कि दीज कैन बी स्प्रेड इन जंगल्स, ओपन स्पेसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका ग्रीन कवर बढ़ेगा। फिर देखिए और तो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब के स्पेसिफिक है, जैसे कि ये तलवारा बेस्ड कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, फिर इट इज़ सपोर्टेड बाय पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सब देखिए UPSC में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है इस टेक्निक के बारे में, कि इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि सीड वॉल को क्या हमें ज़मीन के अंदर गाड़ना पड़ता है गड्ढा खोद के, तो देखिए ऐसा नहीं है। दिस टेक्निक डज नॉट नीड अ पिट टू बी डग। जनरली हम लोग पौधे कैसे लगाते हैं अपने घर में, पहले हम लोग ज़मीन को खोदते हैं, उसके बाद उसमें पेड़ को रखते हैं, देन भर देते हैं, देन पानी नहीं भरते हैं। इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें बस आप इसको ऐसे ही रिलीज़ कर दो, वो ऑटोमेटिकली इससे प्लांट्स निकलते जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड विद कंपोस्ट एक्सेट्रा से ये फिल्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, SLV के बारे में। तो देखिए क्या है ये SSLV, तो देखिए ये पहली बात, ये एक टाइप का मिनी PSLV है, इसको मिनी PSLV भी बोलते हैं। एंड ये क्या है, ये मिनी रॉकेट लॉन्चर है, जिसको डिज़ाइन किसने किया है, इसरो ने। एंड जो मेन पर्पस है इसको डिज़ाइन करने का, कि देखिए स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है, तो हम लोग क्यों बड़े अपने लॉन्चर्स को वेस्ट करें, सो वी रिक्वायर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर लॉन्चिंग व्हीकल, एंड इसीलिए इसको मिनी लॉन्चर भी बोला जाता है। फिर अगर थोड़ा सा और बात किया जाए, तो ये देखिए 500 किलोग्राम का पेलोड आपका रिलीज कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में, एंड 300 किलोग्राम का रिलीज कर सकता है अपना सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो इसीलिए ये आइडियल बन जाता है जितनी भी आपकी स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है, ठीक है, स्टूडेंट सैटेलाइट हो गई एक्सेट्रा, ठीक है, तो इसके लिए आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत होती है। फिर देखिए
जो ये SSLV है इसको दोनों तरीके से असेंबल किया जा सकता है, वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, क्योंकि देखिए छोटा है तो आप कैसे भी असेंबल कर सकते हैं। फिर देखिए और तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसमें फिर ऐसी इस आर्टिकल में बातें कही गई हैं कि देखिए इससे कॉमर्शियल जो एक्टिविटी है, कॉमर्शियल प्रेजेंस है वो बढ़ेगी इसरो की, ठीक है, वी कैन लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट्स फॉर वेरियस स्मॉल नेशंस एक्सेट्रा के बारे में बात कर रहा है ये। फिर देखिए ये न्यूज़ में क्यों आया, तो देखिए न्यूज़ में इसलिए आया है कि ये जो मिनी लॉन्चर है इसको ऑलरेडी बुक कर लिया गया है US के द्वारा, तो US ऑलरेडी हमारा कस्टमर बन चुका है, US ने ऑलरेडी इंडिया से कह दिया है कि आप ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हम बना रहे हो आप, हम इसको खरीदेंगे एंड हम इससे अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे। सो इट इज़ अ ग्रेट चांस फॉर इंडिया टू फिल इट्स फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है, खूब सारे डॉलर कमा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल है आकृति प्रोग्राम के बारे में। तो क्या है इसका, ये आकृति प्रोग्राम है क्या, तो देखिए ये एक एक्रोनिम है एंड इसका फुल फॉर्म है एडवांस नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन इनिशिएटिव, ये इसका पर्टिकुलर फुल फॉर्म है। सो ये करा किसने है, कौन इसको इनिशिएट कर रहा है, तो बार्क जो है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो मुंबई में है वो इस पर्टिकुलर चीज को आपका इंप्लीमेंट कर रहा है। एंड जो इसका मेन कंसेप्ट क्या है, सो इट हैज इसमें क्या किया जाता है कि जितनी भी बार्क की टेक्नोलॉजी है उससे विलेज लेवल में क्या क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है वो इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम का एम है। एंड इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि दिस प्रोग्राम हैज पोटेंशियल टू एनकरेज विलेज टेक्नोप्रोनरशिप बेस्ड ऑन द बाक टेक्नोलॉजी। तो बाक जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी बनाता है जिससे कि डेवलपमेंट हो सके, तो वही चीज़ ये टेक्निकल एरिया में करना चाह रहे हैं, मतलब रूरल एरिया में करना चाह रहे हैं। फिर देखिए कंटेक्स्ट क्या है, एक तो अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसने एक 2 डे एग्जीबिशन चलाया था, दो दिन का एग्जीबिशन हुआ था ऐसी सच जो टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये आकृति प्रोग्राम पे जरूर क्वेश्चन आएगा, इस पर आप जरूर याद रखिएगा ये आकृति प्रोग्राम है क्या ये। नेक्स्ट आर्टिकल है IoT अटैक के बारे में। IoT देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। तो देखिए क्या न्यूज़ है, अभी न्यूज़ आई है कि इंडिया ने बहुत सारे IoT अटैक्स देखे हैं स्पेशली अप्रैल टू जून में, एंड इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया हैज़ बिकम वेरी मच वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स ड्यू टू दिस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में समझते हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, ये जितनी भी हमारी जो डेली यूसेज की थिंग्स होती है, जैसे डेली अप्लाइंसेस की थिंग्स, जैसे आपकी, आप कह सकते हो आपका लैपटॉप, आपका TV एक्सेट्रा, ट्यूबलाइट्स एक्सेट्रा, इनको सबको एक साथ कनेक्ट कर देगा एंड इसको ले आएगा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एंड इंटरनेट के थ्रू इनको कनेक्ट कर देगा। अब आप ऐसे देखिए कि जैसे सपोज करिए आप जैसे ही रूम में घुसे अब तो क्या होगा, आपके रूम की लाइट जल जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक जैसे आप रूम के बाहर गए लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि सारी जो आपके घर की टेक्नोलॉजीज है वो सब कनेक्टेड है एक इंटरनेट के थ्रू, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है, सेंसर्स लगे हुए हैं, तो जैसे कोई रूम में जाता है तुरंत लाइट बंद हो जाती है, जैसे कोई रूम में आता है तुरंत लाइट जल जाती है। तो देखिए इसका एडवांटेज क्या है, आपने ये देखा एनर्जी सेविंग हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रूम में रहते हैं जबकि लाइट जलती रहती है। सिमिलरली TV का भी ऐसे सिस्टम आ रहा है कि जब बहुत देर तक आंखें अगर आपकी बंद हो जाएंगी आप सो जाएंगे और TV चलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। UPSC 2018 में इस पर क्वेश्चन आया था कि एक उन्होंने बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दिया था, यू एंटर इन टू अ रूम द लाइट्स ऑटोमेटिकली गेट्स ऑन, यू गो आउट द लाइट्स ऑटोमेटिकली शट डाउन, एज यू गो टूवर्ड्स द बाथरूम वाटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स टू कम, ऐसे ऐसे कर करके कराया था। एंड फिर उसके बाद नीचे 4-5 ऑप्शन दे दिए थे कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके था, तो उसका आंसर था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, UPSC ऐसी जो टेक्नोलॉजी है उस पर ज़रूर क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। फिर देखिए साइबर अटैक को तो हम जानते ही हैं क्या होता है, कि एक मैलिशियस एंड डिलिबरेट अटैम्प्ट होता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को ब्रीच किया जाता है एंड दूसरे की इंफॉर्मेशन चुराई जाती है। सो नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेम सेल्स के बारे में। तो देखिए हमें स्टेम सेल्स को समझना पड़ेगा, स्टेम सेल्स होते क्या हैं। तो देखिए ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये इमैच्योर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं एंड ये क्या करते हैं कि दीज कैन डेवलप टू फॉर्म सिमिलर सेल्स, यानी ये
मदद करते हैं, ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, एंड उससे क्या हो जाता है, उससे उससे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्टेम सेल्स क्या करते हैं, ये रेप्लिकेट इटसेल्फ कर जाते हैं, या फिर ये अलग अलग सेल टाइप्स में भी चेंज हो जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल्स के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो खुद में रेप्लिकेट हो जाओ या फिर अलग अलग टाइप के सेल्स में चेंज हो जाओ। तो इसीलिए जो स्टेम सेल्स होते हैं ये आपकी वेरियस जो भी बॉडी पार्ट बनता है उनसे, उसमें स्टेम सेल्स का बहुत यूज होता है। तो जैसे स्टेम सेल्स का यूज करके आप कोई भी बॉडी पार्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, एक हार्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, एक लंग्स प्रोड्यूस कर सकते हो, उन सब में जो रोल होता है वो स्टेम सेल्स का होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए फिर नेक्स्ट आता है स्टेम सेल थेरेपी, ये भी काफ़ी बार न्यूज़ में आता है। तो देखिए स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है कि ये जो स्टेम सेल्स है इसका यूज़ करके किसी भी डिजीज़ को या किसी भी जो इरेटिक कंडीशन है उसको अवॉइड करना, ठीक है। एंड जो मोस्ट वाइडली यूज सेल थेरेपी होती है वो होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। अब देखिए इंडिया में क्या होता है, एंड मतलब वर्ल्ड में भी यही एक ग्लोबली प्रैक्टिस है कि ओनली ब्लड स्टेम सेल्स फ्रॉम बोन मैरो आर यूज टू ट्रीट बोन ब्लड कैंसर्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिर्फ यही परमिटेड है इंडिया में, तो इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं आर्टिकल, बस एक चीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्टेम सेल से देखिए मल्टीपल ऑर्गन्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैज़ द केपेबिलिटी टू रेप्लीकेट इट सेल्फ, ठीक है, तो स्टेम सेल्स है, या विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैज़ द एबिलिटी टू चेंज इट सेल्फ इन टू मेनी सेल टाइप्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, स्टेम सेल्स, तो आंसर आएगा स्टेम सेल्स। बस इसमें यही है, क्योंकि देखिए ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा डीप अगर आएगा क्वेश्चन तो फिर वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बायोलॉजिक स्पेसिफिक होगा, ठीक है, एंड ये जनरल का हमें देखना है। नेक्स्ट आर्टिकल है आयरन आयन बैटरी के बारे में। तो देखिए अभी क्या है कि जो IIT मद्रास के कुछ रिसर्चर्स ने क्या करा है कि इन्होंने एक रिचार्जेबल आयन आयन बैटरी प्रोड्यूस कर दी है, ठीक है। एंड अब देखिए ये आयरन आयन की जो बैटरी है ये लिथियम आयन जो बैटरी होती है कॉमनली उसको रिप्लेस कर देगी। एंड इसका फ़ायदा क्या होगा कि देखिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। एंड इसमें देखिए एक और एडवांटेज है कि इसमें जो एनर्जी स्टोरेज होता है वो भी जो लिथियम आयन की बैटरी है उससे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद देखिए ये जो आयरन है ये काफ़ी स्टेबल रहता है, ठीक है, ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस में ऐसा देखा गया है इस पर्टिकुलर बैटरी में कि जो ये लिथियम आयन है ये काफ़ी ज़्यादा, जो आयरन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है, एंड इस स्टेबिलिटी की वजह से ही इसको प्रेफर किया जाता है। फिर देखिए इससे क्या हो जाता है, जब ये स्टेबल रहता है तो ये शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ओवर द लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, अगर इसको यूज़ किया जाए। फिर अगर और चीज़ें क्या है कि अगर हम इसको यूज़ किए, इसको सही से बनाएं, तो देखिए हम काफ़ी कट डाउन कर सकते हैं कॉस्ट, ठीक है, एंड इसको काफ़ी सेफर भी हैंडल करने के लिए बनाया जा सकता है। फिर और अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें तो देखिए आयरन आयन की जो बैटरी होती है उसमें वैंडियम पेंटाऑक्साइड ये यूज़ किया जाता है कैथोड पे, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एनोड पे क्या यूज़ किया जाता है, तो माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील एज एनोड, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए स्क्रीन पे देखिए आप। नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट के बारे में, NEDL। तो देखिए कंटेक्स्ट क्या है, तो इंडिया में अब देखिए इट गेट्स इट्स फर्स्ट नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट। तो देखिए जैसे आपकी नेशनल जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट होती है, सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी है नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, कि कुछ कुछ डायग्नोस्टिक जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है वो तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो अब इसका और क्या है थोड़ा सा पर्टिकुलर अगर इस न्यूज़ पे और डिस्कस किया जाए, तो देखिए यही है कि इसका पर्टिकुलर जो NEDL जो रिलीज़ की गई है, इससे क्या हो जाएगा कि जितना भी जो सिस्टम में जो गैप्स हैं उसको प्लग इन किया जाए, एंड जो भी आपकी मेडिकल डिवाइसेज हैं एक्सेट्रा, ठीक है, जो अभी कवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, वो इन इस NEDL के थ्रू कवर्ड हुए जाएँ, ठीक है। ऐसा इनका पर्टिकुलर मेन एम है कि वो सारे टेस्ट, वो सारे डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल हो। फिर अगर देखिए सिग्निफिकेंस की बात की जाए, तो ऐसा करके देखिए इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कंपाइल सच अ लिस्ट, एंड इससे क्या होगा, देखिए इट विल प्रोवाइड अ गाइडेंस टू द गवर्नमेंट कि भाई कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट तो इनफाइनाइट है, बट जो एसेंशियल वाले हैं एटलीस्ट वो तो होने चाहिए, कि ये तो होने चाहिए ना, तो यही चीज़ है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए जो लिस्ट है, दिस इज मेंट फॉर फैसिलिटीज फ्रॉम विलेज टिल द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो ये इनके लिए है। देखिए इसमें प्रीलिम में बस क्वेश्चन यही आएगा कि हमारे देश में भी अब एक नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट है, एंड इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कंपाइल सच लिस्ट, बस प्रीलिम में इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के बारे में। तो देखिए काफ़ी बार हम नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को डिस्कस करते रहते हैं, एंड अभी कुछ रिपोर्ट आई है कि जो महाराष्ट्र में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो गया है,
ठीक है, इट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 24 per 1000 लाइव बर्थ इन 2008 टू 13 इन 2017, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर अब किसने रिपोर्ट दी है, तो देखिए ये एक कोई सर्वे है, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, इनका कोई डेटा यूज़ करके ये पर्टिकुलर रिपोर्ट निकाली गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है देखिए। बट हाँ, जो क्या बोलते हैं ये जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है इसको जानते हैं। तो देखिए नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि कोई भी बेबी जो बॉर्न होता है उसकी सर्वाइविंग की कैपेसिटी कितनी है, मतलब अगर वो 28 डेज से पहले डेथ हो जाती है तो ऐसे जो बेबी बॉर्न होता है उसको नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है, दैट इज़ द नंबर ऑफ द बेबीज हु आर डाइंग बिफोर द 28 डेज, ठीक है, ऑफ बर्थ। एंड ये पर 1000 करा जाता है कि अगर 1000 लाइव बर्थ हुई है तो उनमें से कितने बेबीज 28 डेज से ज़्यादा सर्वाइव करें, ठीक है, तो इसको कहते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब देखिए नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के भी 3-4 सब डिविजन्स होते हैं, कैसे, सबसे पहले आता है वेरी अर्ली नियोनेटल रेट। अब ये क्या होता है कि भाई अगर फर्स्ट 24 आवर्स में ही डेथ हो जाए तो इसको कहते हैं वेरी अर्ली। फिर उसके बाद आता है अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, कि अगर भाई 7 दिन तक बेबी सर्वाइव कर जाए, ठीक है, और उसके बाद आता है लेट नियोनेटलिटी, यानी 7 से 28 दिन के बीच में अगर डेथ हो, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अगर 28 से ज़्यादा में हो जाए तो क्या बोलेंगे, लेट से अगर 29 डे पे डेथ हो गई तो भाई वो हो जाएगा इन्फेंट, तब आप वो कैटेगरी में कहलाएगा IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिसिलम के बारे में, ठीक है, तो ये है क्या, तो देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिसिलम होती है ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है यूकेरियोटिक सेल्स का, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और बात करिए, बायोलॉजी का पार्ट है, इतना वैसे डीप पूछता नहीं है, बट हम लोग बस कवर कर रहे हैं ताकि कुछ भी छूटे नहीं। सो देखिए ये इसके फंक्शन क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिसिलम के, ये डॉक्टर्स को ज़्यादा पता होगा कि ये देखिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म को, एंड इससे क्या होता है, एंड ये ज़्यादा लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिसिलम का फंक्शन। ये देखिए ये आपको फिगर में ये देख पा रहे हैं। फिर देखिए जो ये आपका एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकलम होता है ये अपने आप को ये इट ऑर्गेनाइजेज द न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, एट द टीलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियर एनवेलप को आपका ऑर्गेनाइज करता है। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन रेयर ही आएगा, बहुत रेयर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डीप हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिए, UPSC हमेशा कभी भी ऐसा पेपर नहीं सेट करती कि किसी एक सेक्शन को एडवांटेज हो। अब जैसे अगर सपोज करिए बायोलॉजी के उन्होंने 100 में से 70 क्वेश्चन पूछ लिए, तो अब आप खुद बताइए किसका सिलेक्शन होगा, ऑब्वियसली बात है डॉक्टर्स विल बी एट एज, तो हमेशा एक बैलेंस्ड पेपर आता है एंड एक जनरलिस्ट आप पूछा था, किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, ऐसा कभी नहीं होगा कि 90 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ गए एंड 10 क्वेश्चन हो गया, एक बैलेंस्ड होता है। हाँ कुछ सब्जेक्ट्स डोमिनेट कर जाते हैं 10-5 ऊपर नीचे, बट कभी भी ऐसा पेपर नहीं सेट किया जाता है जिससे किसी भी एक सेक्शन को एडवांटेज हो, ठीक है, ना ही देखिए कभी बहुत स्टैटिक पूछा जाता है, क्योंकि देखिए जब बहुत स्टैटिक पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 3-4-5 अटैम्प्ट दे दिए हैं तो वो एडवांटेज होंगे, क्योंकि उन्होंने स्टैटिक उतनी बार पूछा होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा बार पढ़ा होगा। एंड कभी भी देखिए करंट भी नहीं पूछा जाता, बहुत ज़्यादा करंट आ गया, पूरा ही करंट आ गया, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे भी अगेन क्या हो जाएगा कि जो लोग अभी अभी तैयारी कर रहे हैं उनको एडवांटेज होगा। तो UPSC वांट्स टू बी एज फेयर एज पॉसिबल, ऐसा वो गेम सेट करती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी अगर डाउट होता है तो इस पर हमेशा याद करिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन के बारे में। अब देखिए ये इसमें बस दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला ये मिशन किसका है, तो भाई ये नासा का है, ठीक है, एंड ये काम क्या करता है, तो देखिए ये जो जितनी भी सन एंड अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट करती है फिर डिसकनेक्ट करती है इसको स्टडी करता है, इट इन्वेस्टिगेट्स दिस, बस और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक रिकनेक्शन कनेक्शन इन सब के बारे में बताता है, और कुछ भी इसमें नहीं जानना। किसका मिशन है, नासा का, काम क्या करता है कि जो अर्थ की और सन की मैग्नेटिक फील्ड है उसके कनेक्ट एंड डिसकनेक्शन के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है, फिनिश्ड। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑक्सीटोसिन के बारे में। देखिए इस पर काफ़ी ज़्यादा हमने एडिटोरियल भी डिस्कस करे हैं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बैन कर दिया था, ठीक है, तो इस पर काफ़ी एडिटोरियल्स आए थे। तो ऑक्सीटोसिन है क्या, तो देखिए इट इज़ अ हार्मोन, ठीक है, एंड ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस में बनता है, ठीक है, एंड उसके बाद देखिए ये सिक्रीट कौन करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है, ठीक है, विच इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए ये दोनों की तरह एक्ट करता है, एक हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है, एक ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। अब भाई देखिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है,
ठीक है। अब भाई क्यों इसको बैन किया गया है, तो देखिए इसका जो मिसयूज है वो आपका कैटल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि ये कैटल को में इंजेक्ट किया जाता है एंड उनसे क्या इस हार्मोन से उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है एक्सेट्रा उनको बढ़ाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है, एंड इससे उनका लाइफ स्पैन भी बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कि ये टेक्निक यूज़ करके उनका लाइफ स्पैन बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सेट्रा, ठीक है, तो ऐसा करा जाता है। तो देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, अच्छी बात है भाई ज़्यादा मिल्क निकालो, अच्छी बात है। देखिए इससे प्रॉब्लम ये है कि जब हम जैसे लोग ये ऑक्सीटोसिन वाला जो निकाला गया मिल्क है इसको अगर ज़्यादा हम पियेंगे, ठीक है, ऐसा मिल्क पियेंगे तो इससे मेल में इम्पोटेंसी आ जाती है, ठीक है, एंड अर्ली पुबर्टी आ जाती है अमंग द वोमेन, कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वो मैन मतलब ह्यूमन को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, आप समझ रहे हैं, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है सेंसर टू डिटेक्ट हाइड्रोजन के बारे में। तो क्या कंसेप्ट है, तो देखिए अभी क्या है कि जो रिसर्चर्स है अपने आईआईटी जोधपुर के, ठीक है, और इन्होंने कोलैब किया आईआईटी हैदराबाद के साथ एंड इन्होंने देखिए एक ऐसा सेंसर बनाया है जो हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट कर लेगा एंड वो भी ऐसी कंसंट्रेशन की हाइड्रोजन गैस जो लेस देन 1 ppm है, आप समझ रहे हैं, इतनी कम मतलब इतनी कम कंसंट्रेशन की गैस को भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इस जो इन्वेंशन हुई है इसका रेलिवेंस क्या है, तो देखिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का पता लगाना है, ठीक है, अर्थ के अंदर कहीं भी, तो इन सेंसर्स का यूज़ किया जा सकता है एंड वी नो दैट हाइड्रोजन इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन फ्यूल भी है, ठीक है, एंड इट इज़ सीन एज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, इसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन की ट्रेन चल रही है, ठीक है, शिप्स की बात की जा रही है, हाइड्रोजन पे तो बहुत काम चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हाइड्रोजन हाईली एक्सप्लोसिव भी होता है एंड फ्लेमेबल भी होता है इन नेचर, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए हाइड्रोजन को क्या है इसको गैस करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब आप पता नहीं कर पाते अगर ये लीक हो जाए, क्यों, क्योंकि इट इज़ पर्टिकुलरली कलरलेस, दिखती तो है नहीं एंड टेस्टलेस होती है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। अब देखिए इसको सी डॉट इसको कहते हैं, सी डॉट इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अभी क्या कंटेक्स्ट है, तो देखिए गवर्नमेंट ने अभी जो अपने कमिटमेंट को रीआइट्रेट किया है कि इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड वाईफाई इन ऑल विलेजेस थ्रू ग्रामनेट विद द कनेक्टिविटी बिटवीन 10 mbps to 100 mbps। तो अब इसके लिए देखिए ये सी डॉट्स एक्सेट्रा का यूज़ किया जा रहा है जिसके थ्रू क्या करा जाएगा, जिसके थ्रू ये जो गवर्नमेंट का जो एम है इसको फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इस सी सैट 5 टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं जो कि सी डॉट की ही है, ठीक है। तो ये देखिए जो सी सैट यहाँ पढ़िए, जो सी डॉट सेटेलाइट वाईफाई है ये इसके थ्रू करा जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए ये क्या है कि जो सी सैट आपका वाईफाई है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी डॉट सेटेलाइट वाईफाई भी कहते हैं, ये देखिए इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द वायरलेस एंड सेटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड इसके थ्रू क्या किया जाता है, जब हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं सेटेलाइट कम्युनिकेशन का तो हम जो कनेक्टिविटी है उसको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा इनका मानना है, बिल्कुल रिमोट आइलैंड्स तक, डिफिकल्ट टेरेन्स तक, वहाँ तक कनेक्टिविटी पहुँचानी है तो ये सी डॉट सेटेलाइट वाईफाई का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद क्या किया जा सकता है कि और क्या क्या इसके यूसेज है, तो देखिए जो डिजास्टर्स एक्सेट्रा इमरजेंसी है, ठीक है, ऐसी जगह पे चलानी है जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं मोड, तो ये वाला मोड काम करेगा क्योंकि ये सीधे सेटेलाइट से ऑपरेट होता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए जो ये सॉल्यूशन है ये कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड इसके लिए कोई भी आपको सैटेलाइट फोन्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एंड ये सिंपल वाईफाई एनेबल्ड फ़ोन पे भी चल जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा और बात किया जाए तो एक 10G सिमेट्रिकल पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क जिसका नाम है XGSPON, ठीक है। अब ये क्या है कि ये देखिए जितनी भी अभी डिमांड उठ रही है रिगार्डिंग द हाई नेटवर्क स्पीड्स के लिए, तो ये उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग में यूज़ होता है, HD वीडियो को लाइव स्ट्रीमिंग करना है तो आपको बहुत हाई स्पीड नेट चाहिए, ठीक है, तो ये उनके लिए है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ हाई बैंडविड्थ, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद इंटर ऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स है, तो ये ऑब्वियसली बात है, आप सेट टॉप बॉक्स किसमें यूज़ किया जाता है, टीवी के लिए, तो ये केबल टीवी ऑपरेटर के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एंड अगर थोड़ा सा और बात किया जाए तो ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए ये एस्टैब्लिश किया गया था अगस्त 1984 में एज एन ऑटोनॉमस बॉडी, इसको ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पे 1984 में आपका रजिस्टर्ड किया गया था, ठीक है, एस्टैब्लिश किया गया था। फिर देखिए कौन सी आपके उसके अंदर आता है,
तो इट इज रजिस्टर्ड पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है, विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कहीं आप माइटी ना लगा दीजिएगा कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है तो चलो यार ये लग रहा है माइटी तो वही लगा देंगे, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि देखिए ये रजिस्टर्ड किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। एंड चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ सी डॉट, ठीक है, इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर के बारे में, क्या कंटेक्स्ट है। तो देखिए ये अभी फीवर रिसेंटली गुजरात में एक अपीयरेंस दिखाई है आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 साल बाद गुजरात में ऐसा ये जो पर्टिकुलर फीवर है इसको देखा गया है। अब ये है क्या, तो इट इज़ अ वायरल हेमोरेजिक फीवर, ठीक है, दैट इज ट्रांसमिटेड बाय टिक्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एंड कॉज्ड बाय अ टिक बॉर्न वायरस जिसका नाम है नेरो वायरस, ठीक है, ये बहुत टफ नेम्स है, ठीक है, ऑफ द ब्यूनोरिविडी फैमिली, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, बस आप ये याद रखिएगा रिसेंटली कि ऐसा कुछ गुजरात में एक रीअपियर किया है ऐसा फीवर, ठीक है। फिर अगर उसके बाद बात किया जाए कि लास्ट टाइम कब देखा गया था, तो देखिए 2011 में भी ये इसको देखा गया था, द फर्स्ट केस ऑफ दिस वॉज इन इंडिया वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम गुजरात इन 2011। तो देखिए अगर वैक्सीन के बारे में बात किया जाए तो इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का ऐसे क्वेश्चन दे सकती है, 4-5 आपको फीवर दे देगी एंड ऐसे पूछेगी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो वैक्सीन अवेलेबल। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो अभी सिंपली एंटीवायरल ड्रग बस जिसका नाम है रिबेवरिन, इसको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट दिस। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।